गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनोज मलिक आप सभी का स्वागत करता है हमारे एक सेशन में। जिस सेशन शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है फील्ड के अंदर दोस्तों। आज बहुत सारे लीडर्स पूरे इंडिया के अंदर जिनका चेक 10, 20, 30, 40, 50 या 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत अच्छी तरीके से नए प्लान की एक्साइटमेंट है दोस्तों। और आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत आ रही है जो हमारे को आज बताने जा रहे हैं कि आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर जब हम इस नए प्लान को, जिसका नाम है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, इसको समझकर अपने चेक को बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और हर एक साथी को जो भी इस बिजनेस के ऊपर विश्वास कर रहा है, जो मोदी के ऊपर विश्वास कर रहा है, उनको समझ आ रहा है कि आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है। जहां उनके गोल 5 लाख के थे अब वो 7 लाख के हो गए हैं, जहां पर 7 लाख के थे वो 10 लाख के हो गए हैं। और दोस्तों ये एक्साइटमेंट का ही ये बिजनेस है। और आज मैं ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो शख्सियत यहाँ पर आ रहे हैं उनसे मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। आज अगर जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे इस महागुरु का है, जो मैनेजमेंट गुरु है, जो बहुत अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। उनकी ट्रेनिंग के पूरे इंडिया में लोग कायल हैं और वो लीडरशिप के बहुत अच्छे कोच हैं। जितने भी लीडर्स हैं पूरे इंडिया के, सब उनको अपना गुरु मानते हैं क्योंकि उन्होंने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। दोस्तों आज मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे अभी रूबरू होने के बाद, जिनसे सीखने के बाद हमारी एक्साइटमेंट डबल होने वाली है और दिवाली और ज्यादा रंगीन होने वाली है। और नए साल में जब हमारी शुरुआत होगी तो हमारे चेक में जो जंप आ सकता है शायद उससे 20-25-50% ज्यादा ही होगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके बीच में तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेशनल सेल्स हेड वन एंड ओनली मिस्टर प्रशांत पेन। प्रशांत सर आपका स्वागत है सर। थैंक यू मनोज जी। सर गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू मनोज जी। एंड आप भी मेरे गुरु हो, कहीं कुछ सीखा है, कहीं सालों से रिश्ता है तो कहीं कुछ सीखने को मिला। ये आपका बड़प्पन है सर और पूरे इंडिया में आग लगा रखी है और जो एक्साइटमेंट क्रिएट की है वो अनपैरेलल है सर। और जो स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, जो प्लानिंग बनाते हो और जिस उसके बाद जो हमारे लिए आप एक माइंड पे जो मैप बनाते हो ना सर, वो वास्तव में हमारे को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुमूल्य टाइम में से टाइम निकाला और आज हमारे को वक्त दिया। हमारे सभी डायरेक्टर, सभी जीवीडी, सभी को आपने टाइम दिया, सभी लीडरशिप को टाइम दिया। आपका स्वागत है सर। थैंक यू मनोज जी और आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। और कोशिश आज ये करेंगे कि हमेशा की तरह मीटिंग को जितना सिंपल रखें, जितना सिंपल भाषा में बात कर पाऊं। आपसे गुजारिश है कि पूरी मीटिंग ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये आपके पैसे की बात होने वाली है, किसी और की होना हो लेकिन आपका पैसा। जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, और क्योंकि आज आप मीटिंग में हैं, किसी ना किसी के अपलाइन होंगे या बनने वाले होंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अगर फॉर्मूला को समझ पाए, रास्ते को समझ पाए, करना क्या है, तो हम अपने बिजनेस में और भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हैं। कितनी कमाएंगे, कितनी नहीं कमाएंगे, मैं आप पे छोड़ूंगा, बिकॉज करना मेरे को है। अगर मेरे को, जैसे अगर आपने कोई लक्ष्य दिया या एक रास्ता दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जैसे आज तक चलते आए हैं इसी तरीके से इस रास्ते पर चलेंगे, नहीं दौड़ेंगे। तो आज की मीटिंग शुरू करते हैं और आज की मीटिंग में मैं आपको प्लान के बारे में बताऊंगा, इनकम के बारे में बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि अक्टूबर का इनकम आया है, काफी लोग खुश हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग बहुत बहुत परेशान हैं, कुछ लोग बहुत बहुत खुश हैं। और जब आदमी परेशान हो, खुश हो, तो ये जानना जरूरी है कि मेरी परेशानी का कारण क्या और मेरी खुशी का कारण क्या है। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे फोन किया, एक सीनियर डायरेक्टर ने, और उन्होंने कहा कि सर मेरी इनकम 5,000 रुपए ज्यादा है इस बार। मैंने स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत तब्दीली करी, लेकिन मुझे बताइए मेरी इनकम 5,000 रुपए क्यों ज्यादा है इसमें। अब ये जानना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उनको 5,000 बढ़ने का फॉर्मूला समझ आ गया अच्छी तरह से, तो 10,000 करना मुश्किल नहीं है। अच्छा, जिसकी इनकम मान लीजिए 2,000 रुपए कम आई, ये भी जानना जरूरी है कि क्या हुआ होगा जिसके वजह से आमदनी कम आई। और मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कोई बदलाव करते हैं ना, जब भी रास्ता बदला जाता है,
तो उन आदतों में ढलने के लिए समय लगता है, और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। हमने मोदी केयर में पिछले 4-5 सालों में भी कई बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव 2015 में किया था, जब तब बदलाव किया था तो बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा बदलाव था। हर चीज बदल गई, बीवी कम हो गई, रेट कम हो गए, बीवी कम हो गई, रेट कम हो गए। लगभग 80% बीवी होती थी हमारे प्रोडक्ट्स पे, 80% बीवी, 80% बीवी, और इससे कम में बीवी के तो मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्ट होते होंगे। फिर 70-75% बीवी हुई, आज बीवी 60% है, लेकिन बिजनेस जो हम 90 करोड़ करते थे साल का, आज हम लगभग 250 करोड़ हमने लास्ट मंथ किया आप सब लोगों ने मिलकर। तो जब ये बदलाव किए गए तो जितने भी देखिए नेटवर्किंग में तो बीवी पे चेक आता है कि नहीं, अगर बीवी नहीं होगा तो चेक कैसे आएगा। तो उस वक्त ये बहुत बड़ा डर था लोगों को, जो काफी 2-3 महीने रहा, ऐसा नहीं कि वो 3 दिन में ठीक हो गया, 4 दिन में डर जाए। डरना अच्छी बात, आता था या बराता है या सोचता था, जब उसको रास्ता चाहिए होता है, जिसका मतलब ही नहीं है वो पहले भी घर पे सो रहा था, आज भी घर पे सो रहा है। तो तब ये जब लोगों को हमने ये चेंज किया और प्लान भी चेंज कर दिया। अच्छा, बाइनरी प्लान तो कहा जाता है भैया, नेटवर्कों का प्लान है, पैसा जल्दी आता है, ये सब मथिया है, ये सब भ्रम है। मोदी केयर ने 4 साल चलाया, लगभग 3 साल बाइनरी प्लान, और उस प्लान को बनाने के पीछे मेरा भी बहुत बड़ा रोल रहा। एक एक्सपर्ट लेके आया हम वर्ल्ड के बेस्ट, जिन्होंने वो प्लान बनाया। लेकिन मैं आज किसी प्लान की बुराई अच्छाई करने नहीं आया, आज मैं मोदी केयर की बात करने आया हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हमने ये बड़े बड़े तब्दीलियां करी, लोगों को बहुत घबराहट हुई। घबराहट जायज है, बिकॉज हम रास्ता बदल रहे हैं ना, हम रास्ते में थोड़ी सी गाड़ी मोड़ रहे हैं। मेरे को घर से दफ्तर जाने की आदत है एक रास्ते से, अचानक से एक दिन मैं देखता हूं रास्ता बंद होकर एक रास्ता यहां से निकाला पुलिस ने, उन्होंने कहा जी यहां से चले जाओ। बड़ी घबराहट हुई, पता नहीं रास्ता कहां जाता होगा या मुझे कितना समय लगेगा, लेकिन तरीका तो एक ही है, उस रास्ते से जाना पड़ेगा। हम उस रास्ते पर गए या गूगल मैप ने हमें बताया जिस रास्ते से चले जाओ, और उसके बाद वो रास्ता बहुत अच्छा लगने लगा। उन्होंने कहा, मैंने सोचा यार ये रास्ता तो पहले रास्ते से बेहतर था, मैंने पहले क्यों नहीं इसका ध्यान दिया, यहाँ तो गाड़ियां भी आराम से चलती हैं, भीड़ भड़ाका भी नहीं है, और अपनी गाड़ी में आराम से चला सकता हूं। तो जब भी कोई चेंज होता है, चाहे वो बीवी का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, या जिंदगी में किसी भी चीज में तब्दीली हो जो हम करते आ रहे हैं, जब थोड़ा बहुत उससे अलग करना पड़े, फाइन ट्यून करना पड़े, थोड़ा समय लगता है आदतें डलने में। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि वो जो आदतें थोड़ी बहुत बदलनी है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं बदलनी, वो क्या बदलना है, क्या करना है अलग, ताकि मेरा भी चेक वो आ पाए जो मैं सोचूं मेरा आना चाहिए। ओके? और ये जो बदलाव है आपके अच्छे के लिए है, मैं आपको बताऊंगा आपके अच्छे के लिए क्यों है। उसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, फिर फैसला आप लीजिएगा कि आपको ये बदलाव कितना जल्दी अपने बिजनेस में लेकर आना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज एक पीपीटी आपको दिखाऊंगा। पीपीटी तो कहने को पीपीटी है, लेकिन इसमें बेसिक पॉइंट्स मैं कवर करूंगा कि आप सब लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन पाए, ज्यादा बेहतर समझ पाए। ओके, शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं एक सवाल करता हूं जो आपको अपने आप से करना है। आप मोदी केयर के बिजनेस में क्यों आए हैं? आपने जब मोदी केयर को चुना और आज अगर इस कंपनी में हैं, आप बिजनेस के साथ हैं, इस परिवार में हैं हमारे, तो इस परिवार में आप क्यों रहे, क्यों रहना चाहते हो? कई सारे जवाब होंगे, पर ज्यादा सबसे बड़ा जवाब होगा कि सर कुछ पाने के लिए आए, कुछ और अच्छा करने के लिए आए। मेरे पास जो है मुझे और चाहिए, वो हिंदी गाना मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, थोड़ा है और चाहिए। जमाना बदल गया ना, उस वक्त एक गाना था थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, बड़ा हिट गाना था, लेकिन आज कहते हैं लोग मुझे और चाहिए यार, और जरूरत भी है। महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस ने हम सबकी कमर तोड़ दी है, भारत की नहीं पूरे दुनिया की, और चाहिए। और जितना ज्यादा होगा उतनी बुरे दिनों में मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा, और अच्छे की तो कोई सीमा नहीं होती ना। मैं कुछ भी मेरे पास हो जिंदगी में, उससे मैं और पा सकता हूं, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, हाँ बीवी बच्चों के अलावा, पति के अलावा, जो भी हो मैं और पा सकता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो अपने आप को ये सवाल का जवाब दीजिए कि आप इस बिजनेस में हैं क्यों। देखिए, इस बिजनेस में लोग कई कारणों से आते हैं। बहुत लोग शुरू में इस बिजनेस में दुकान बदलने के लिए आते हैं, उनका एक मकसद है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं, अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, मुझे पसंद आए, दाम अच्छा है, सोना तांबे के दाम पर बिक रहा है, तो उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने आए, वो दुकान बदलने आते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं, हर आदमी ये सोच के नहीं आता कि मैं चाहते सब हैं, लेकिन शुरू में प्रोडक्ट के लिए ही आते हैं। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट अच्छे लगने लगता है,
पसंद आने लगता है। जाहिर सी बात है, जो चीज पसंद आएगी आप सिफारिश भी कर देंगे, अपने दोस्त को बताएंगे, रिश्तेदार को बताएंगे, आप टीम बनाना शुरू करते हैं, दोनों दोस्तों को बताना शुरू करते हैं। तो एक अगला कदम आता है कि कुछ लोग इस बिजनेस में दुकान बदलने नहीं आते, सिर्फ आजादी पाने आते हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब, उनको फंडामेंटल बेसिक से कोई मतलब नहीं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये कंपनी सॉलिड है कि नहीं है, प्रोडक्ट वाकई ही सही है कि नहीं है, कहीं सिर्फ सिर्फ गुरु ज्ञान तो नहीं है, यहाँ सिर्फ मिथ्या तो नहीं है। जब तक पैसा आ रहा है जय जयकार है, प्रोडक्ट मैं बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा वगैरह वगैरह, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करती है कि नहीं करती, आईडीएसए के मेंबर हैं कि नहीं है, उनको इनसे मतलब नहीं है। वो भी ठीक है, वो उनकी मर्जी है, उनकी जिंदगी है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। उनको पैसे से मतलब है, उनको प्रोडक्ट प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक कैटेगरी ऐसे भी लोग आते हैं जो दोनों करने आते हैं, पहले दुकान बदलते हैं फिर आजादी पाते हैं। और आजादी तो तभी मिलेगी ना जब दुकान बदलोगे, अगर दुकान ही नहीं बदली अपनी या लोगों की बदलवाई तो आजादी कैसे आएगी, बीवी कैसे आएगा, वॉल्यूम कैसे आएगी, हम सब समझते हैं। अगर आप सिर्फ दुकान बदलने आए हो तो भी मोदी केयर में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपका एक ही मकसद है कि मैं लॉयल्टी खरीदूं, मैं थोड़ा बहुत हर महीने करता रहूं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बड़ा मुझे चाहिए नहीं, जो आता है भगवान की कृपा है या मेरी कृपा है, मेरी मतलब आपकी अपनी कृपा है, ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। हर आदमी के मकसद लाइफ में गोल्स अलग होते हैं, लेकिन एक कैटेगरी लोग ऐसी होती है, बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, जो कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ अच्छा लेने के लिए आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, इज्जत के लिए आते हैं, मान सम्मान के लिए आते हैं, दोस्त बनाने आते हैं, जिंदगी को बेहतर करने आते हैं। उनका विजन बड़ा क्लियर है कि मुझको कुछ पाना है, बड़ा पाना, और पाने की उनके लिए कोई सीमा नहीं होती, वो लगे रहते हैं। और तभी आप देखेंगे कुछ लोग जिंदगी में जो भी करते हैं उसमें सफल जरूर हो जाते हैं, कितनी भी दिक्कतें आए। देखिए, मोदी केयर को चाहत है आजादी की, तो कोरोना हो ना हो हम तो आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमें इस चीज की चाहत है, दिल से चाहत है, करने को नहीं कर रहे हम लोग ये चीजें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप सिर्फ दुकान बदलने आए हैं तो ये डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डर बोनस, एलपीबी से शायद आपको ज्यादा मतलब है नहीं। मैं मान लेता हूं आपको इतना कोई मतलब है नहीं, आ रहा है तो ठीक है आ रहा है, लेकिन अगर आप कहते हैं जी मैं जितने वो दुकान तो बदलूंगा, प्रशांत जी मैं लॉयल्टी रिपर्चेस का रेगुलर बायर हूं, लेकिन मुझे तो पैसे कमाने हैं, मुझे रोकड़ा कमाना है, दिवाली के पटाखों के लिए जो अभी बैंड है फिलहाल, जब भी पोल्यूशन खत्म होगी मुझे तो ऐसे पटाखे जलाने हैं या ऐसी मिठाइयां खानी है और दोस्तों के साथ इंजॉय करना है जिसके लिए मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए और चाहिए, और मुझे अच्छा लीगल काम करना है। तो आज की मीटिंग आप लोगों के लिए है। तो आज की मीटिंग में हम रुपया कमाने का तरीका बताएंगे और क्या गलतियां लोग कर रहे हैं। अक्टूबर में भी लोगों ने वो गलती करी, क्या गलती करी, क्या गलती कर दी। और गलतियां गलतियां इंसान का हिस्सा है, भगवान भी गलती करते हैं कि नहीं। भगवान भी, आप सुना होगा पुराणों में कि फलाने भगवान को किसी ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, तो गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन यहाँ श्राप नहीं मिलते, यहाँ ये नहीं होता कि आपको तथास्तु बोल दिया तो जिंदगी भर के लिए आपकी गलती अब आपकी गलती रह जाएगी। उस गलती से सुधारने का भी तरीका हमारे पास है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं। और जितने भी लोग दुकान बदलने आए हैं, एक चीज याद रखिए, सिर्फ दुकान बदलने से आजादी नहीं आएगी। बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं सिर्फ लॉयल्टी इस्तेमाल करूं, लॉयल्टी तो हिस्सा है, वो तो पहला कदम है, रीपरचेज तो पहला कदम है इस बिजनेस का, लेकिन सिर्फ वो करने से पैसा नहीं आता है। ये देखिए कि एग्जाम्पल आपके सामने है कि वन मैन आर्मी बनने से पैसा नहीं आता। ये बीवी बीवी में नंबर है, ये रुपए में नहीं है। अगर मैं 1500 बीवी की यानी कि लगभग 3000 रुपए की लॉयल्टी हर महीने करता हूँ, 3000 की लॉयल्टी सारे लोग तो नहीं करते, लोग तो कम ही करते हैं, काफी लोग उतनी करते हैं जितनी करनी चाहिए, कुछ लोग 1500 करते हैं, कुछ लोग 2500 करते हैं, पर मान लीजिए आप 3000 की लॉयल्टी हर महीने भी करें तो आप 13 महीने लग जाएंगे आपको 10% का लेवल अचीव करने में, 13 महीने लग जाएंगे। अब 13 महीने तो आप इंतजार नहीं कर सकते ना कि पैसा मुझे 13 महीने तक एक भी रुपया नहीं आएगा चलेगा। अच्छा, ऐसे लोगों को मतलब भी नहीं है, इंतजार करेंगे, इनको चाहिए नहीं, आज नहीं चाहिए, हो सकता है कल चाहिए हो, लेकिन ये आपके सामने एक पिक्चर है। तो सिर्फ खरीदारी करने से तो आजादी नहीं आएगी ना, और ये बिजनेस कोई लाखों की खरीदारी करने वाला बिजनेस तो है नहीं। हम मैं जितने भी आप में से काफी लोगों को जानता हूं और जितने बारे में मैं आपके बारे में ज्यूम कर सकता हूं, आप इस बिजनेस में डोर टू डोर सेलिंग करने थोड़ा आए कि लाखों का माल खरीदेंगे, उस पर एपीबी कमाएंगे 22% की और जिंदगी बदल लेंगे, वो डुप्लीकेबल ही नहीं है। अक्सर तो आम इंसान, तो आम कंसल्टेंट तो 1500-2000 की बीवी कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो उतनी बीवी करते हैं जितनी प्लान में चेक के लिए चाहिए होती है। ठीक है, वो भी ठीक है, प्लान में चाहिए, प्लान में किया आपने,
लेकिन ये 13 महीने लगेंगे आपको एक 10% बनने में। अच्छा, ये इनको कोई, ये डायरेक्टर बने ना बने इनको कोई मतलब नहीं। ये पहली बात तो 13 महीने कोई आदमी रुकता नहीं जिसको कुछ आता नहीं। आप लॉयल्टी में भी देखिए, लोग 6 महीना 8 महीना करके 12 महीना करके फिर 6 महीने सो जाते हैं, बिकॉज उनका कुछ स्टेक नहीं है, कुछ खोने को नहीं, उनको कोई लॉयल्टी नहीं है। प्रोडक्ट आए, मिले, ले लिए, नहीं मिले, नहीं लिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी टीमें बनाते हैं, खुद लॉयल्टी करते हैं, उनको लॉयल्टी करवाते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा रोकड़ा जल्दी आने वाला नहीं है। 1500 की लॉयल्टी मैंने की, बीवी की हाँ, और 4 लोगों को अपने डाउनलाइन में जोड़कर उनको भी लॉयल्टी कराई। चार पांच लोगों की मेरी एक्टिव टीम होती है। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं। 13 महीने लगेंगे मुझे 15% के लेवल पे पहुंचने के लिए। तो ये समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड का मकसद एक ही था कि हम कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपको रुपया जल्दी आए, प्रोवाइडेड आप रुपया कमाना चाहते हैं। आपको क्या बेसिक चीजें बदलनी पड़ेंगी ताकि आपको 13 महीने 16 महीने 20 महीने 24 महीने इंतजार ना करना पड़े रुपया कमाने के लिए। आपका टाइटल हुआ रुपये नहीं आए, वो भी फ्रस्ट्रेटिंग था। आपने टाइटल तो कर लिया प्रेसिडेंशियल, पैसा सीनियर डायरेक्टर के बराबर आता, वो भी मजा नहीं है, है कि नहीं? तो प्लान में ऐसा क्या किया जाए कि जो लोग दौड़ना चाहते हैं, दौड़ने का मतलब 100 मीटर की रेस नहीं, जो मैराथन दौड़ना चाहते हैं, आराम से दौड़ना चाहते हैं बट दौड़ना चाहते हैं, उनके लिए पैसा कैसे डाला जाए? जो यूजर है उनके लिए तो देखिए 10% 13 महीने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15% कब पहुंचेंगे भगवान जानता है, पता नहीं तब तक रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे बिजनेस के अंदर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मकसद एक है, आपकी जेब में रोकड़ा डाला जाए, कैसे टीम के ऊपर काम करके आप कैसे कमाएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसिक चीजें जो हमको इस प्लान में भी याद रखनी है, और पहले भी ये रूल्स, कुछ रूल्स में हमने ज्यादा दिली नहीं करी है। अगर आप ये सुनेंगे आप कहेंगे सर ये तो पहले भी अप्लाई करता था, बिल्कुल करता था, जो कर रहे हैं अमन उनके बहुत पैसे आए इसमें, चाहे वो सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हो, चाहे ईडी लेवल पर हो, चाहे प्रेसिडेंशियल पे हो, जिन्होंने नहीं किया उनको पैसे कम आए हैं, उसको ठीक कर लोगे आपके भी आ जाएंगे, और जिनके आ रहे हैं वो और कमाएंगे। सक्सेस कम्स व्हेन यू बिल्ड पीपल, सफलता तब आती है जब आप लोगों को बिल्ड करते हैं। लोगों को बिल्ड करने का मतलब मात्र लॉयल्टी नहीं होता, सिर्फ बीवी नहीं होती। देखिए हमें बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है, 10 में से 9 कॉल जो मुझे आती हैं आज भी और पहले भी कि सर मेरा बीवी बड़ा, मेरा चेक नहीं बड़ा। मैं आपको आज उदाहरणों के साथ अपनी हर पॉइंट को बताऊंगा और ऐसे उदाहरण दूंगा जो एक्चुअल उदाहरण है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होगी। लोगों को बिल्ड करोगे तब नोट आएंगे, और जितना बिल्ड करोगे उतने नोट आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप कम करो तो ज्यादा आए, ज्यादा करो तो कम आए, वो भी तो गड़बड़ है ना। सोचिए अगर आप ज्यादा करें आपको कम पैसे आ रहे हैं, आप कम करते हो आपको ज्यादा पैसे आते हैं, वो तो फंडामेंटली गलत है। आप क्यों मेहनत करेंगे लाइफ में अगर आपको ज्यादा करने से कम रिटर्न आता है? दूसरी चीज, जब आप ऊपर बढ़ेंगे पैसे ज्यादा आएंगे। किसी ने मुझे कहा सर ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को पैसे ज्यादा कैसे आते हैं, जीबीडी को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं, इनके चेक हमसे ज्यादा कैसे आए? बॉस हमारे मालिक वो तो आपसे ज्यादा इस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, आप भी वहां पहुंचिए उनसे ज्यादा कमा लीजिए। ये तो वही बात हो गई कि भैया प्रधानमंत्री को पंचायत के हेड से ज्यादा रुपए कैसे मिलते हैं। अब आप पंचायत हेड हैं, जिस दिन आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे आपकी भी फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। ये तो लाइफ का असूल है। ये रशिया या चाइना में कब पहले होता था, अब भी होता है कि सबको बराबर, सब बराबर है, काम करो ना करो सब बराबर है। दुनिया तो ऐसे नहीं चलती। अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्यों आज अमेरिका लोग करते हैं पूरी दुनिया में, आज उनके राष्ट्रपति का सिलेक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वो राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्यों? बिकॉज वो वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री है, जो अच्छा करेगा वो ले जाएगा। भारत भी ऐसा ही है अमेरिका की तरह। तीसरी चीज, फाइन ट्यूनिंग को चेंज करना है। देखिए बेसिक फंडामेंटल नहीं बदलते। आप 98.3 FM के ऊपर मिर्ची सुनते हैं, रेडियो मिर्ची, आप 92, अब रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी 98.4 की जगह 98.3 की जगह 98.7 हो गई है। आप 0.3 अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो रेडियो अच्छा आएगा। करोगे नहीं कुछ बदलाव, आप कहोगे सितंबर में भी ये किया, अक्टूबर में भी ये किया, पैसे क्यों कम हो गए? अब आपने तो रेडियो स्टेशन का सिग्नल तो बदला ही नहीं, आपने तो वो किया ही नहीं जो आपको करना चाहिए था, तो नोट कैसे आएंगे बताइए? आपको उतने नहीं आएंगे जितना आपका पोटेंशियल है। उसको बदलोगे तो आ जाएंगे, ना आए तब बताइएगा कि बॉस मैंने तो ये भी किया जो आपने कहा था, तब भी नहीं आए, तो आज मैं वो सब चीजें क्लियर करूंगा। एंड बात आज की नहीं है, आज मैं 2000 रुपए कमाता हूं, आगे का सोचिए ना, आज के 2000 कल के 2000 थोड़ा होंगे,
अगर मैं जिंदगी भर 2000 रुपये अटका रहूंगा, मेरा 20,000 के चेक आना है, मेरा 1.5 लाख का ही चेक आना है पिछले 1-1.5 साल से, तो जो पहले 1.5 लाख की कीमत थी वो आज तो कम हो गई है, इन्फ्लेशन है, कोरोना है, वायरस आएंगे। तो आप आज के ऊपर सोच रहे हैं, लेकिन अगर आज आपका कल सुनहरा बन रहा, और कल मतलब 10 साल बाद नहीं, कल मतलब अगला महीना, उसके अगला महीना, तो मजा है ना लाइफ के अंदर। हम चाहते हैं कि अगर आज भारत के अंदर 1,000 लखपति हैं, ये 1,00,000 लखपति बने, एक आम इंसान आज लखपति बने, और बहुत लोग बन भी रहे हैं। कर्नाटका में हमारे एक लीडर है जो मच्छी पकड़ते थे, मछली, संतोष शेट्टी जी की टीम है, उनका अक्टूबर में 16 लाख रुपए का चेक आया। आज कर्नाटका में टॉप 10 में 4 लीडर है इंडिया में, और ये सारे लोग पिछले 2 से 2.5 साल के बीच में आए। मैं आपको इनकी फोटो दिखाऊंगा, मनोज मलिक जी को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देखिएगा, ये आज से 2 साल पहले, उनसे बात कर लीजिएगा, मंजूनाथ शेट्टी, संतोष शेट्टी, सड़क पे बैठकर चप्पल में खाना खाया करते थे, पैसे नहीं थे जेब में। आज संतोष शेट्टी जी पोर्शे गाड़ी ले रहे हैं, पोर्शे बुक करा ली उन्होंने। ऐसे आपके भी बहुत एग्जांपल्स हैं, अक्षय जी हैं, मनोज मलिक जी हैं, कई सारे बेहतरीन तरुण जी हैं, कई एग्जांपल्स। देखिए तरुण जी ने क्या शानदार घर बनाया, और मनोज जी ने क्या शानदार गाड़ी खरीदी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स नॉट अबाउट टुडे, इट्स अबाउट टुमारो। आज आज भी बैठे रहेंगे, वो कहते ना आज के बारे में सोचो, कल के बारे में क्या सोचना। ये देखिए पुराने ख्याल है, आज में जिए पर कल के बारे में सोचें, आज में जिए कल के बारे में सोचें। आपका जी कल किसने देखा, छोड़ो मास्क, छोड़ो हैंड सैनिटाइजर, चले जाता हूं बाजार में, कोरोना हो गया तो तब देखेंगे, जब हो जाएगा तो पता चलता है कि मेरा कल तो पूरा खराब हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको गौर रखना है, और ये मशवरा जो मैं आपको दूंगा ना, ये मशवरा कोई ऐसा नहीं दूंगा जिसमें आपको फायदा ना हो। मोदी केयर में पिछले 4 से 5 सालों में जिसने भी सिस्टम को फॉलो किया है, जो चीज हमने आपको जन अपलाइन, अच्छे अपलाइन हमेशा अच्छी चीज देते हैं, शुरू में हो सकता लगता हो कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये चीज फायदे के लिए होती है, वो आगे ही बढ़े हैं, पीछे नहीं आए हैं। तो करना क्या है, किन चीजों पे फोकस करना है, राइट स्ट्रक्चर क्या बनाना है, क्या गलतियां बंद करनी है, करनी बार बार नहीं करनी, एक बार करी, दो बार करी, बार बार अगर मैं उसको रिपीट करता रहूंगा, सुनने के बावजूद रिपीट करता रहूंगा तो दिक्कत है। अच्छा, लाइफ में एक चीज और होती है, हम सुनते वो हैं जो सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहिए वह सुनते नहीं। तो मैं जब भी कुछ लोगों से बात करता हूं, किसी ने मुझे कहा सर कंपनी की एरिया सेल्स मैनेजर साहब ने बोला कि इस बार चेक डबल हो सकता है। मैंने कहा तो गलत क्या बोला, लोगों की तो डबल हो गए चेक, डायरेक्टर पे बात करूं अगर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कह रहे सर मेरा तो नहीं हुआ डबल। मैंने कहा उन्होंने और कोई बातें बताई थी, सिर्फ यही बात बताई थी उन्होंने, तो ये पता चला उन्होंने ये भी का स्ट्रक्चर, उन्होंने का एलपीबी लैग बनाओ, लेकिन वो बातें उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने वही सुना जो उनको सुनना चाहिए था। अब ऐसे में अगर मैं काम करूंगा, वही सुनूंगा जो मुझे सुनना है, अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से जो मुझे सुनना है वो सुनना है, बाकी चीजों को साइड पे रख देता हूं, वो भी गड़बड़ है। सुनो तो पूरा पैकेज सुनो ना, पूरा पैकेज साथ काम करता है। देखिए संगीत तब बजता है जब हर इंस्ट्रूमेंट साथ बजे, सिर्फ एक एक यंत्र बजाने से संगीत नहीं बजता है, संगीत बजाना है, रोकड़े का संगीत बजाना है तो सारी चीजों को एक पैकेज में डालकर काम करिए। 4 चीजों में से एक चीज उठा ली, 3 चीज साइड पे कर दी तो कैसे चलेगा बताइए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आपको दोबारा से, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, ये जब मैंने पिक्चर ढूंढी थी आज से 2-3 साल पहले, हो सकता है आपने पहले किसी मोदी केयर की मीटिंग में देखा हो, कि गन्ने का जूस वाला जो जो निकालता है वो आखिरी बूंद तक जूस निकालता रहता है, वो तब तक गन्ना डालता है जब तक आखिरी बूंद ना निकल आए। और यही आपकी और मेरी सोच होनी चाहिए। मजा इसमें है कि हम जब तक आखिरी बूंद ना निकालें तब तक नया गन्ना ना डालें। हम क्या करते हैं, हम गन्ने डालते रहते हैं, जूस निकालते नहीं, खपत ज्यादा होती है, आमदनी कम होती है। क्यों करता है गन्ने वाला ऐसा, कम खपत में ज्यादा आमदनी करना चाहता है। तो हम लोग खपत अपनी बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम कर लेते हैं, इधर उधर का काम कर लेते हैं, फिर आमदनी होती नहीं, फिर निराशा होती है, वो तो जाहिर सी बात है, गन्ने वाला ये जानता है तो हम तो जान ही सकते हैं। तो गन्ने वाले की तरह कैसे सोचना है, जूस वाले की कैसे सोचना है, और ये कोई बहुत पढ़ा लिखा तो आदमी होता नहीं जनरली, ये तो नहीं आप कहेंगे जी ये तो पीएचडी होता है, मेरे पास तो पीएचडी नहीं है तो मैं तो ये चीजें नहीं कर सकता। ये तो हर बिजनेस का असूल है, आखिरी दम तक निकालिए जितना जूस निकाल सकते, ये अक्लमंदी का काम है। और प्लान में से जूस निकलता है तो क्यों निकलता है, और लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे, जो अभी भी नहीं निकाल पाएंगे, आगे भी नहीं निकाल पाएंगे, उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक दोबारा याद रखने हैं। आपकी इनकम डायरेक्टली लिंक्ड है, आप जितना काम करते हैं उससे, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी।
ये मैं पॉइंट क्यों डाल रहा हूं, मुझे परसों किसी ने फोन किया और कहा प्रशांत जी ये बताया गया था कि डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर की इनकम 111% बढ़ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल बताया था, जिनकी बड़ी है उनकी बड़ी है, पर आपको अगर यह समझ आया कि मैं बिना उतने ही काम करे मेरी इनकम डबल हो जाएगी, तो मैंने कहा ये तो बस ठीक बात नहीं है, बिकॉज अगर आधा काम करके इनकम 4 गुना बढ़ाई जा सके, ऐसे काम जनरली रिस्की होते हैं ना, पुलिस वुलिस ढूंढने लगती है बाद में। हर्षद मेहता जी ने कोशिश करी थी काम करने की स्टॉक मार्केट में, आधा काम करूंगा 4 गुना कमा लूंगा, ऐसे काम जनरली लॉन्ग टर्म नहीं होते। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है जिसमें आप आधा पैसा लगाएं और 10 गुना रिटर्न ले लें, ऐसा होता नहीं ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग ये बातें मान लेते हैं, बिकॉज उनको प्लान की कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए अब मुझे कब, मुझे मुझे गणित नहीं आती, गणित मुझे गणित नहीं आती, और मैं को कोई बोले 2+2=4, 2+2=5, 2+2=4, 2+2=5, 2+2=5 होता है, तो मैं मान लूंगा 2+2=5 होता, और जब मैथमेटिक्स में फेल हो जाऊंगा तो मैं तो पता ही नहीं क्यों फेल हुआ, बिकॉज मैं तो 5 ही सुनता था, मुझे मालूम ही नहीं 2+2=4। तो बेसिक जो रूल्स हम पहली अक्टूबर से बता रहे हैं उसको समझिए। और देखिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कुछ बताए और आपको नहीं समझ आए, ये मेरे लिए भी अप्लाई करता है, जाके चेक करिए, नहीं समझ आए पूछिए। मैं तो कह रहा हूं सबसे दुनिया का अमीर आदमी सबके बेवकूफ आदमी होता है, बेसिक क्वेश्चंस पूछिए, सवाल जवाब ले जाएंगे, सवालों के जवाब नहीं होंगे समझ नहीं आएगा, फिर वही गलती हो जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना करोगे उतना मिलेगा। दूसरी चीज, टीम में स्पॉन्सरिंग कभी भी पिछले महीने से कम नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें सब कुछ आपको इन एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, अभी रियल एग्जांपल्स के साथ जितने भी पॉइंट बता रहा हूं। टीम में हमेशा ज्वाइनिंग पिछले महीने से एक कम से कम ज्यादा होनी चाहिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा, और एक्टिव, और उसके लिए प्रमोशन का इंतजार नहीं करना कि प्रमोशन आएगी तब ज्वाइनिंग कराऊंगा। बहुत लोग इंतजार करते हैं, आता है तो करवाते नहीं तो कुछ करते ही नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरी चीज, पहले विड्थ बनाइए फिर डेप्थ में जाइए। बहुत लोग पहले ही आते हैं महीने से डेप्थ में घुसना शुरू करते हैं, दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं है, बट डुप्लीकेबल नहीं है और कभी कभी फायदा नहीं होता है करने से। पहले विड्थ चौड़ाई, आगे चलकर चौड़ाई और गहराई। शुरू में अगर सिर्फ गहराई में चले जाओगे तो नोट नहीं आएंगे, और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, इस बार भी हो रही है और आगे भी होगी। अगली चीज, टाइटल बिना डेप्थ के बेकार है। अब कई लोग टाइटल जंप कर रहे हैं, कोई अटूट बंधन में आ गया क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन के, उन्होंने कहा जी अटूट बंधन बोनस में तो रुपए नहीं आए उतने। भैया नीचे था क्या जो आएंगे, आपने टाइटल ही किया है ना, टीम बिल्डर बोनस पॉइंट आपके बड़े नहीं। आप एलपीबी में घुस तो गए लेकिन वही 3600 की मिनिमम एलपीबी करते हैं, तो 3600 करोगे तो अकॉर्डिंगली पैसे आएंगे ना। अब मैं प्रेजिडेंशियल से क्राउन जाता हूं, मेरे नीचे घेराई नहीं है, टीमें नहीं है, तो मुझे प्राप्ति नहीं होगी। पहले तो आप प्रेजिडेंशियल जूस निकाल लीजिए, बहुत जूस निकालेंगे, अभी हम आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत जूस है निकालने के लिए। मोदी केयर में हमारे एक लीडर हैं जिनका 19 लाख रुपए का चेक है, आरवीडी है, रॉयल ब्लैक डायमंड है, 19.5 लाख का चेक है उनका, अभी भी कह रहे हैं कम है, और मैं बिल्कुल वाकिफ, मैं बिल्कुल मानता हूं उनकी बात से कि कम, अभी भी कम है और कमा लेंगे आरवीडी पे। लोगों को लगता है कि अगर 20-30-50 लाख कमाने हैं तो टाइटल ही जंप करना पड़ेगा, छोटे टाइटल पे भी बड़ा चेक आता है। जीबीडी पे तो मेरे हिसाब से आपका 1 करोड़ से कम का चेक नहीं आना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ जीबीवी बढ़ाने से चेक नहीं बढ़ता, ये बिल्कुल सही है अगर स्ट्रक्चर में खामी है। मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखाऊंगा, जीबीवी बढ़ेगा चेक नहीं बढ़ा, चेक गिर भी सकता है। बहुत लोगों को लगता है बीवी बढ़ गई मेरी, लास्ट मंथ इतनी बीवी थी, इस मंथ इतनी बीवी थी, मेरा मनोज जी प्रशांत जी चेक क्यों नहीं बढ़ा, या बढ़ा तो बहुत कम बढ़ा, बीवी मेरी डबल हो गई। बीवी बढ़ने से अच्छा चेक बढ़ा सकते हो अगर सही चीज करोगे, और वो सही चीज करना मुश्किल नहीं है, अभी मैं आपको बता देता हूं दोबारा कैसे करना है। पिछले महीने लोगों की बीवी बढ़ी, अक्टूबर में सितंबर से ज्यादा हुई, चेक नहीं बढ़ा उतना, निराश हो गए। तो निराशा अच्छी चीज है, अच्छी, आप निराश हुए बिकॉज आपको चाहिए, जो चाहत रखता वही निराश होता है। अब आप सीख जाइएगा कि आपको क्या करना है। और आखिरी चीज, करोड़पति बनना चाहते हो ना, तो 60% आमदनी एलपीबी में से आनी चाहिए, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। और एलपीबी की अब मैं बात करता हूं, ये सिर्फ 3600 की ले की बात नहीं करता, एलपीबी जितनी बड़ी बनाओगे उतना पैसा आएगा, मिनिमम ही देता है। 40% मार्क्स लेकर के मैं अच्छे कॉलेज में नहीं घुस सकता, मुझे ऐसे ही कॉलेज मिलेगा जो 40% मार्क्स आए,
हाँ मैं अगर 98-99% लेकर जाता हूं तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ये तो दुनिया का सूल है। तो आज हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सर जो लोग समझते नहीं और कभी कभी समझ के भी नहीं समझते, वो खुद समझे, अपने लोगों को समझाएं और फिर मैं बताऊंगा अब आपको करना क्या है नवंबर में, करना क्या है। जिनके अच्छे आए हैं वो क्या करें और जिनके अच्छे नहीं आए हैं वो क्या करें। अच्छे नहीं आए मतलब उम्मीद से कम आए। हमारे एक लीडर, उनका 2 लाख का चेक बढ़ गया, कह रहे सर कम बढ़ा सर, निराशा है, वो भी ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में और बात करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, एक तो चीज मैंने बता दी, जितना गन्ना डालोगे उतना रस निकलेगा, जो काम करोगे अकॉर्डिंगली पैसे आए। ओके, दूसरी चीज, स्पॉन्सरिंग कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अपनी टीम में सबसे पहले खोल के देखिए कि मेरी टीम में कितने नए लोग आए इस महीने। क्यों स्पॉन्सरिंग नीचे, और एक्टिव स्पॉन्सरिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहा, यह आपके प्लान की इनकम से डायरेक्टली लिंक्ड है। हर टीम में कुछ लोग छोड़ते हैं, इतने आए 4 महीने बाद बाहर हो गए, और इसलिए नहीं बिकॉज आप में खामी है, बिकॉज वो करना ही नहीं चाहते थे। कभी कभी लोग जबरदस्ती लाए जाते हैं, कभी कभी लोग मेहनत नहीं करना चाहते, कभी कभी लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कुछ लोग छोड़ेंगे जरूर। टीचर कितना भी अच्छा हो जाए, क्लास में 1-2 बच्चे फेल होंगे जरूर, टीचर का सारा ब्लेम नहीं जा सकता। 12 लोग गए बाहर, 10 आए, तो क्या किया, 10 कदम आगे गए, 12 कदम पीछे आए। 10 लोग आए, 10 लोग गए, तो जहां 10 कदम आगे गए 10 कदम पीछे आए, तो वहीं आगे वापस जहां से शुरू किया। तो अगर एक्टिव टीमें नहीं बढ़ेंगी राइट स्ट्रक्चर, तो बेबी नहीं बढ़ेगा, और बेबी बढ़ भी गया। देखिए कभी कभी क्या होता है, छोटी टीमों में बहुत बड़े बड़े बेबी हो जाते हैं, बट 10,000, 20,000, 30,000 पर्सनल बेबी करना डुप्लीकेबल नहीं है, बहुत लोग करते भी नहीं और कर भी नहीं पाए। भारत में कितने लोगों को आप जानते हैं अपनी टीम में जो 30,000, 40,000, 50,000 का पर्सनल बेबी करते हैं। एक बार कर लिया, चलिए कोई ऑर्डर आ गया बड़ा आपके पास, लेकिन बार बार तो ये करना पॉसिबल ही नहीं। और जो बार बार करता है वो तो शक के दायरे में भी आ जाता है हमारे, कि 1 लाख बीवी का माल कहां ले जा रहा है आदमी उठा के। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक पहला पॉइंट है जो आपको बहुत याद रखना है। सबसे पहले तो अपनी टीम में चीज को देखिए। कैसे देखेंगे मैं आपको बताऊंगा। आप कहेंगे सर कैसे देखो मेरी टीम में कितने लोग हैं, मेरी टीम में तो 200 लोग हैं, मैं कैसे चेक करूंगा। बहुत आसान है, अभी आपको बताऊंगा। अगली चीज, अभी भी लोग ये गलती कर रहे हैं। मैं लोगों का अक्टूबर का चेक देख रहा था, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बिहार हो, भारत में अभी भी काफी लोग ये गलती कर रहे हैं कि लोग शुरू में आकर अपने स्ट्रक्चर को ठीक तरह बिल्ड नहीं कर रहे। ये मर्जी आपकी, आप अपने स्ट्रक्चर को कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। मैं दोबारा ये चीज बताऊंगा, मैं 100 बार पहले बता चुका हूं, मैं 101 बार भी बताऊंगा, और आपसे 10 साल बाद भी यही रिपीट करूंगा, क्योंकि ये बिजनेस के बेसिक्स हैं। जब आप अपना बिजनेस शुरू करें ना, डायरेक्टर पे या नीचे, जब नया बिजनेस है, और ये आगे ST/ST पे भी अप्लाई करता है, वहां भी कभी कभी ऐसी हालत होती है। शुरू में बिजनेस के अंदर अपने डाउनलाइंस को सिखाएं कि डेप्थ में ना जाए, शुरू इमीडिएटली डेप्थ में जाके काम करने की कोशिश ना करें, कर ही नहीं पाएंगे। एक के नीचे लोग डेप्थ बना रहे हैं ना, जो 22% क्या, मैं कह रहा हूँ 44% APB हो जाए वो भी एक दिन जीरो हो जाएगी। चलो कर दीजिए 44% APB, छोड़िए 44% APB मान लीजिए। 4 दिन की चांदनी के बाद 5वें दिन अंधेरा आएगा। APB जवाब नहीं है, APB बढ़ा दीजिए। प्रॉब्लम है मेरे स्ट्रक्चर में। और APB तो देखिए शुरुआत की इनकम है, APB से करोड़पति हुआ आज तक। आप मुझे एक आदमी बता दीजिए डायरेक्ट सेलिंग में जो परफॉर्मेंस बोनस से करोड़पति हो गया। ये तो शुरुआत का, ये आप शुरू की इनकम है कि आप जब आमदनी आनी चाहिए 4,000-5,000, 3,000, 2,000, 1,000 रुपया भी बहुत बड़ी आमदनी है APB के अंदर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये डिफरेंशियल की आमदनी हम सब जानते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर में तो जो शुरू होना है वो भी नहीं आएगा। कुछ लोग 2 ही लाइनों पे काम कर रहे हैं, अभी भी 2 ही लेग है उनके पास स्ट्रांग, उनका 90% या 95% या 100% बिजनेस 2 लेग से आता है। उसमें दिक्कत क्या है जो इस भालू के साथ हो रही है, देखिए भालू को, यह भी गिर जाएगा नीचे। खड़ा तो हुआ, उसको लगा यार बड़ा सॉलिड खड़ा हूं, बड़ी अच्छा नजारा है, वो गिरा, देखो ये गिर जाओगे। शुरू में अच्छा लगेगा लेकिन बाद में तकलीफ होगी। एक भी आदमी ने काम करना बंद कर दिया तो दिक्कत है, दोनों आपके बराबर आ गए तो दिक्कत है। फिर ऐसे में लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि रोल अप के लिए रोक दो,
या अपने बराबर के लेवल पे मत आने दो, या 15% पे क्यों आ गया मेरा डाउनलाइन, इसको तो मुझे 13 पे रोक देना चाहिए था, मेरा तो एपी भी कट गया। लेकिन हम एपीबी के अलावा आगे बढ़े, वो रोकड़ा कमाने के लिए आए हो तो एपीबी के आगे सोचो, एपीबी से बहुत बड़ी इनकम आगे आएगी। आप कितना मर्जी प्लान में एपीबी डाल दीजिए, आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे कुछ समय बाद, और ये मैं अपना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, चार का स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर है, और चार का मतलब एक्टिव स्ट्रक्चर। आप एक डायरेक्टर हैं, अगर इस मीटिंग में जो सुन रहे हैं सीनियर डायरेक्टर है, देखिए आपकी कितनी लेग एक्टिव है, क्या आपके पास चार की सॉलिड ब्रेथ है, एक या दो लाइन काम करती है। ये प्रॉब्लम जो रोलअप शोलअप का, ये पूछते हैं जी रोलअप क्यों नहीं मिलेगा, ये क्यों नहीं मिलेगा, पहली बार क्यों नहीं मिलेगा, ये दिक्कत इसलिए बिकॉज एक दो लाइनों पे काम हो रहा है, कहां से आएगा रोलअप, या एक ही लेग है 16% के नीचे, या एक ही लेग थी पहले 22% के नीचे। खींच तान के कैसे ना कैसे सीनियर डायरेक्टर हो जाता था, लेकिन रुपए नहीं आते जितने आने चाहिए। आप इस रुपए बिजनेस में कोई 1,000-2,000 रुपए कमाने थोड़ा आए हो, अगर रुके हो 1 साल 6 महीना 8 महीना जो भी रुके हो, कुछ पाने के लिए रुके होगे ना, कुछ अच्छा करने के लिए रुके होगे। यहां से आपका हवाई जहाज टेक ऑफ करना शुरू कर देता है, और यहां से आप बादलों में घुस जाते हो। 6 का एक्टिव स्ट्रक्चर, हर लेग बराबर नहीं होगी, मैं मानता हूं हर जूता, हर इंसान बराबर नहीं होता, कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है, पर सिर्फ एक ही इंसान लंबा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, वो भी दिक्कत है। तो 6 की एक्टिव विड्थ का स्ट्रक्चर, अपनी रिपोर्ट खोल के देखो मेरे पास विड्थ कितने की है, मैं क्यों नहीं कर पाया डायरेक्टर इस बार, मुझे क्यों दिक्कत हुई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए। इस बार तो ईपीवी था, एक्स्ट्रा पीवी, एक्स्ट्रा पीवी तो एक स्टेरॉयड की तरह हम कभी कभी देते हैं, अक्सर तो नहीं देते, कोरोना में दिया था बिकॉज उस वक्त जरूरत थी, पर सिर्फ एक्स्ट्रा पीवी से अगर मैं टाइटल कर रहा हूं वो भी दिक्कत है, और पीवी पे तो पैसा नहीं आता, पैसा तो बीवी पे आता है, बिजनेस वॉल्यूम पे आता है। तो एक लीडर है मुझे फोन करके बोला, सर मैं तो प्लैटिनम बन गया लेकिन नोट तो नहीं आए। जब प्लैटिनम देखा, उनका बीवी आधी है टीम में, टाइटल प्लैटिनम बन गया। तो ये तो मुझे पता होना चाहिए ना, ये तो कोई आज की स्टोरी नहीं है, और जिसको नहीं पता उसको बताइए ये चीजें। शुरू में देखिए सच्चाई, फैक्ट बताएंगे ना फैक्ट, तो लोग जागरूक रहेंगे। बाद में मत बताइए जब वो गलती कर दें कि तुम गलती कर दिया, तुमको करने नहीं चाहिए था, अनलेस आपको पता ही नहीं था वो गलती कर रहा है, और उससे पहले वो गलती करे आप उसको कैसे करेक्ट करें, उसका भी रास्ता मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। प्लान के ऊपर क्या करना चाहिए, आप देखिए तरीका क्या होना चाहिए। ये एक दो लेगों के ऊपर जितने भी लोग डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर पे काम कर रहे हैं, अगर एक ही एलपीबी लेग बनाएंगे तो कैसे आएगा पैसा बताइए। किसने कहा सर मैं सीनियर डायरेक्टर हूं, मेरी एलपीबी लेग एक ही है, अब एक ही एलपीबी लेग में कितना कमाओगे बॉस। अब मैं ये मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, जिसकी 6 एलपीबी लेग उतने पैसा मुझे आना चाहिए। लेकिन अगर आप 1 से 3 पे जाओ आपके पैसे बढ़ने चाहिए, अगर आपके तब नोट ना बढ़े फिर दिक्कत है। अच्छा कभी कभी लोग आगे बढ़ते थे, पहले टाइटल बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ी, स्ट्रक्चर बढ़ा, उतने नोट नहीं बढ़े, वो तकलीफदेह बात है। कई लोग मुझे कहते हैं सर मैं दौड़ने को तैयार हूं, बताइए इनाम क्या है। इनाम अच्छा होगा तो मैं दौड़ूंगा, तभी तो दौड़ने का मजा है। अगर बिना दौड़े ही इनाम आ रहा है, या छोटा छोटा काम करके ही अगर मैं कहूं जी मुझे और क्यों नहीं आ रहा है, तो जितना करोगे जितना डालोगे उतना ही आएगा ना। अवन में जितना घी डालोगे उतनी आग बड़ी होगी, आग बड़ी होनी चाहिए। आपको तो ये देखना कि मेरी आग बड़ी हो रही है कि नहीं, मैंने और घी डाला तो मेरी आग बड़ी हुई कि नहीं। सीनियर डायरेक्टर तो एक शुरुआत है लीडरशिप की, बनो ना प्लैटिनम प्रेसिडेंशियल, जाइए उस लेवल पे देखिए कितने नोट आते हैं। लेकिन सीनियर डायरेक्टर पहले बनना पड़ेगा, डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर गए, और सीनियर डायरेक्टर पे डायरेक्टर से ज्यादा का चेक आना चाहिए। जब आप ईडी बना तो आपको ज्यादा का चेक आना चाहिए। अब वो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, और ऐसा होता भी है और नहीं हो रहा वो भी दिक्कत है। वो तब नहीं होगा जब स्ट्रक्चर में खामी होगी, एलपीवी लेगी नहीं बनेंगी। मैंने कहा ना करोड़पति बनने के लिए 60% बिजनेस का एलपीवी आना चाहिए चेक। आप अपने चेक को देखिए, आप एक प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल या आरबीडी, अगर आपको एलपीवी है, शुरू में टीम बिल्डर ज्यादा होगा एलपीवी से, हमेशा पहले टीम बिल्डर ही आता है, टीम बिल्डर भी आपको रुपये देगा पर एलपीवी ज्यादा रुपये देगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है 2.4 के आसपास पॉइंट है तो नेचुरली पैसा तो ज्यादा आएगा ही। अच्छा एलपीवी के आपको और भी फायदे हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ। देखिए ये तरीका है जिसके थ्रू लोग काम करें। अब नवंबर में आपका मकसद ये होना चाहिए, मेरी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं जो रुपया कमाने आ रहे हैं, उनको एक टारगेट दीजिए कि हर महीने भैया एक एक्टिव आदमी लाना है, एक एक्टिव आदमी लाना है हर महीने। अभी डुप्लीकेबल है, कोई मुश्किल नहीं है, एक महीने में एक आदमी तो लाई जा सकता है ना नया। 100 पीवी का क्या मतलब है, आप 100% यूजर हैं, आप उतना नहीं करते जितना करना है, आप उतना करते हैं जितना होना चाहिए एज ए यूजर।
अगर हर महीने आप एक एक आदमी लाएं तो आपका, और आप जो करें वो अपने नीचे वाले को सिखाइए, छोड़िए एक महीने में 10 आदमी लाऊंगा 20 आदमी लाऊंगा, एक महीना करेंगे दूसरे महीने डुप्लीकेट ही नहीं होगा, पांचवें महीने मेरे दोस्त आप डायरेक्टर बन जाएंगे, आप पांचवें महीने डायरेक्टर बन जाएंगे, क्वालिफाइड डायरेक्टर बिना किसी रोल अप के, और छठवें महीने आप सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे, सीनियर डायरेक्टर छठवें महीने, पांचवें महीने आपके 5,184 डायरेक्टर बोनस पॉइंट होंगे, 5,184 डायरेक्टर बोनस पॉइंट होंगे, मात्र 100 पीवी आप करते हैं, 2700 बीवी आप, और अपनी टीम में सबको एक एक सिखाते हैं करने के लिए, तो 5,184 डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स, और छठवें महीने आपके पास 9,504 टीम बिल्डर पॉइंट होंगे और 9,504 ही ट्रेवल बोनस पॉइंट होंगे। ये पैसा निकालिए, अब एपीबी निकाल लीजिएगा कितनी, ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, निकाल के देख लीजिएगा एक बार, पैसा ये है ज्यादा, ये बड़ा पैसा है, 3% एपीबी का डिफरेंस आ गया, 1% का डिफरेंस आ गया। अब आप लीडर है ना, आप सोच बदलियो ना अपनी। बच्चों की प्राइमरी क्लास में जो किताबें पढ़ी जाती हैं, 10वीं का स्टूडेंट तो नहीं कह सकता मैं वही किताबें पढ़ूंगा, लेकिन उस प्राइमरी स्टूडेंट के लिए वो किताब जरूरी है। जब तक आप प्राइमरी क्लास में थे आप एपीबी में काम करते थे, अब आप सेकेंडरी क्लास में आ गए ना, बड़े हो रहे हो, आप डायरेक्टर बन गए, एसडी बन गए, प्लैटिनम बन गए, प्रेसिडेंशियल बन रहे हो, अब तो लीडरशिप का काम सोचना पड़ेगा ना, वहां से कैसे पैसा कमा। अब एक उदाहरण और देता हूं, ये सब उदाहरण जो सवाल आए उसमें आया कि सर एपीबी कम हो गई, सर मैं तो बर्बाद हो गया, बस बिल्कुल कम हो गई, 6% कम करी, 4% 19-16-22% तक वापस दे दी, आपको तो दे दी वापस, लेकिन किसके लिए दी, इन आदतों के लिए नहीं दी, ये जो आदत है ना ये वाली, मैं पीछे जा रहा हूं तफट, इसमें क्या पाओगे, ये एपीबी वाला प्लान है, खुद लॉयल्टी करूंगा, 4 लोगों से लॉयल्टी करूंगा, इसमें एपीबी आएगी जरूर, हो सकता है डिफरेंशियल भी आ जाए, 1,000 रुपए 500 रुपए 600 रुपए आ जाएंगे महीने के। हमने कहा बहुत शुरू में ये करना है, लेकिन फिर जाके टीमें बनानी, क्यों बनानी है, बिकॉज मैं चाहता हूं आप आगे चल के ज्यादा रुपया कमाओ, जिंदगी भर मोदी केयर में 2,000 रुपए 3,000 रुपए पे ना टिके रहो, 10,000 रुपए पे ना टिके रहो, आगे बढ़ना है। अब इस प्लान, इस एग्जाम्पल को देखिए, आप ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, मेरा मकसद आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दिखाने का नहीं है, मेरा मकसद आपको तरीका बताने का। इस एग्जाम्पल को आप विपरीत भी दिखा सकते हैं, इस रास्ता मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं एज अ रिकमेंडेशन। आप 1500 पॉइंट करते हैं, बीवी करते हैं, बीवी ये बीवी में है, ये पीवी में नहीं है, आपके नीचे एक लेग ए है जो 13% है, खुद ए पर्सनली 1000 बीवी करता है, और ये आपके 1500 की बीवी है। अब इसमें होगा क्या कि आपकी एपीबी, आप इस एग्जांपल को कैसे भी देख लीजिए, ये 15% है, आप 22% हो, ये 13% है, 19% थे। इस प्लान में क्या हुआ, आप 16% हो गए एपीबी में, 13% ही रहे, लेकिन जो 19% थे वो 16% हो गए, और इस एग्जांपल में एनक्यूडी बन गए बिकॉज 20,000 की जीबीबी करी थी, 1,750 करी नहीं। अब आपकी एपीबी तो देखिए आधी हो गई, माफी चाहूंगा मोदी केयर ने आपकी एपीबी आधी कर दी, लगभग 465 से आपकी एपीबी अब 270 रुपए आ गई, पर आपके 1511 के जो डायरेक्टर बोनस बनता था पहले वो अब 2716 बनेगा, ज्यादा कमाओगे और ये लंबा कमाओगे, अब ये लंबा कमाओगे, अब यहां आपको चिंता नहीं कि अगले महीने मेरा टाइटल मुझसे बराबर हो गया तो क्या होगा, ये लंबा कमाओगे। लेकिन अगर ये करोगे, ये भी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं, बॉस मैं तो 36,500 पर्सनल बीवी करने वाला खिलाड़ी हूं, ये टीमों में मुझे बिलीव नहीं होता, मेरी तो एपीबी कट गई, पर कितने लोग आपकी टीम में ऐसा करते हैं, टीम बनाने का बिजनेस है ना ये, कुछ आप 36,500 बीवी जानते हैं कितना हो गया, लगभग 72,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं आप, कितने लोग बेच पाएंगे 72,000 रुपए का माल, डीपी तक नहीं बेच पाता अपने पर्सनल कोड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें एपीबी आपकी 2,000 रुपए कम हो गई, 2,000 रुपए आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट बढ़ेंगे। खेल यहां है, अब ये किसी को लग रहा होगा भैया नुकसान है 1,000 रुपए का, नुकसान नहीं है, अब ये फायदा, अब आपकी जो आदतें बदलेंगी ना लॉन्ग टर्म बदलेंगे, हमने आपको राइट बिहेवियर के लिए ज्यादा नाम दे दिया, ये आपको लॉन्ग टर्म आके ले जाएगा। कोरोना में पर्सनल बीवी काम नहीं आएगी, कोरोना में रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा जिंदगी में पैसा चाहिए, और पैसा राइट काम करने से आएगा, 2 प्रोडक्ट फ्री लेने से सिर्फ शुरुआत होगी, लेकिन वो मेरी जिंदगी नहीं चला सकते, पैसा रोकड़ा चाहिए जिंदगी चलाने के लिए।
ये समझना जरूरी है। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिखा दिया, एक लॉस का भी एग्जाम्पल आपके सामने। लोग कहते हैं सर ये नुकसान, मैं तो पता नहीं अपने डेटा में देख रहा था, ऐसे इंडिया में 2% लोग भी नहीं है जो इतना बीवी करते हैं। लोग 1000 बीवी कर रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट खोल लीजिए और देखिए मेरी टीम में एवरेज लोग बीवी कितना करते हैं, कितना डिफरेंशियल इनकम आता था। भारत में 200-300 रुपए का एवरेज आता था एबीपी का। डायरेक्टर बोनस का इस बार आप जानते हैं एवरेज क्या है? सितंबर में डायरेक्टर का मिनिमम चेक 181 रुपए था, 185 रुपीज। इस बार जो एवरेज चेक आया मीडियन, वो करीबन 3,500-4,000 रुपए का चेक आया डायरेक्टर के ऊपर। अब मजा आया ना गेंदे की फूल की माला पहनने में, गेंदे की फूल की माला पहनूंगा, 185 रुपए का चेक है, टाइटल इतना बड़ा डायरेक्टर, ऐसे लगता पता नहीं क्या बन गया हूं मैं, अब मजा आएगा डायरेक्टर बनकर। अच्छा आपको अपलाइन को भी फायदा है, आपके इस पे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, छोटी पीजीबीवी पे तो छोटे पॉइंट। अब ये बड़ा सोचो, ये सब कुछ आपके लिए है कि आपको हम कैसे आगे चलने के लिए आपको तैयार कर पाए आपके पैसे के लिए। अब जो ये समझ गया उसकी तो 5 उंगलियां घी में है, तो बड़ा बिल्ड करो। अब ये जो एग्जाम्पल है कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, आप कहें जी प्रशांत जी ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, ये तो डुप्लीकेट, बिल्कुल डुप्लीकेबल है, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल दे दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पैसा यहां है। एपीबी तो आज नहीं तो कल तो बंद होनी थी, अगर लोग आपके बराबर आएंगे आज नहीं तो कल बंद होनी थी। बंद होने से पहले डायरेक्टर बोनस में घुसो और यहां नोट कमाना शुरू करो। जो लॉयल्टी वॉयल्टी लेने के लिए आए उनको 13% 10% की एपीबी लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा कमाने आए हो। अगर बढ़ते हैं, अब आप जब बड़े हो जाएं, अब लोगों ने इस बार फिर वो गलती करी, लोग उतना करते हैं जितना करना है। मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूं, आप मेरी कोई भी मीटिंग उठा लीजिए, अगर आज आपको मेरी कोई भी बात लगी कि मेरी बातें पलट गई तो मुझे बता दीजिएगा, जरूर मैसेज कर दीजिएगा, मनोज जी को बता दीजिएगा, प्रशांत जी पहले आप कुछ और कहते थे आजकल कुछ और कह रहे हो। हाँ बेसिक रूल जो बदले हो मैं कहूंगा, बट मोटा मोटा मेरी बातें नहीं बदलेंगे, बिकॉज बिजनेस के बेसिक्स वही हैं, लोग ओवरबिल्ड नहीं कर रहे। अब देखिए जो एससीडी, मैं जीबीडी आरबीडी के तो यहाँ एग्जाम्पल ले ही नहीं रहा, मैं तो बेसिक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको छोटे टाइटल्स के। मैं एक एससीडी हूं, सिर्फ टाइटल मेंटेन करने में बिलीव करता हूं। टाइटल किया 1250 के 3 लोग लाया, 7302 रुपए यहाँ पे जो मैंने पॉइंट वैल्यू ली है वो जो आई है उससे कमी ली है, और ये अप्रोक्सीमेट है, ये पॉइंट वैल्यू हर महीने बदल सकती है। 7300 रुपए के आसपास का चेक आएगा एपीबी अलावा, चिल्लर एपीबी लिया नहीं, इसमें चिल्लर एपीबी आते हैं, इसमें वैसे भी 0% एपीबी आएगा, आपका जो पर्सनल बीवी है उसी पे एपीबी आएगा, डिफरेंशियल कोई है नहीं। अब मैंने थोड़ा काम किया, मैंने जाकर डायरेक्टर को सीनियर डायरेक्टर बनाया, और 2000 पीजीपीवी के एग्जाम्पल है, 2000 पीजीपीवी, मैं कुछ अभी पीजीपीवी बहुत ज्यादा नहीं ले रहा, 2000 पीजीपीवी एवरेज के एग्जाम्पल ले रहा, ये पीवी में है, 27 से गुणा करिए बीवी आ जाए, यहां मेरा चेक हो जाता है 55258 रुपए, 35,696 रुपीज मेरी एलपीबी में से आते हैं। जितना बड़ा होगा ना आमदनी उतनी बड़ी एलपीबी बनेगी। देखिए अब मैं नीचे गया, अब मैंने यहां से जाकर के एलपीबी का काम करना शुरू किया, अब मैंने नीचे और लीडर बनाए करीबन 1,19,000, और यहां पर जब मैं ईडी बनाता हूं बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूं लगभग 2,30,000। अभी मैं एससीडी हूं, मैंने टाइटल कोई बहुत बड़ा टाइटल नहीं बनाया, मैं एससीडी हूं। अब 3 लाख ईडी की बना, 2000 पीजीपीबी को मैंने 5,000 कर दिया, मेरा चेक 5,60,000 हो गया। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे करते हैं बस, कहते हैं मेरा पैसा नहीं आया। आप एसडी हैं, आपकी एक ही एलपीबी लगे, आपने जरूर ये कहा किसी ने सर मेरी पिछले महीने इसी स्ट्रक्चर पे चेक ज्यादा आया था, अब चेक कम आया। हाँ थोड़े रूल चेंज हुए, बेसिक करेक्शन हुए, क्यों किए, ताकि जब आप ईडी बने आपको ज्यादा रुपए आए। अगर आप कोई ये कहता नहीं सर मुझे तो ईडी बनना ही नहीं, मैं तो जितना आ रहा था उतना ही दे दो मेरे को, मुझे कोई ईडी नहीं बनने में इंटरेस्ट नहीं, मैं तो 1,000-2,000 रुपए में अपने खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के 2000 कल कितने रह जाएंगे, आज 2000 में आता कि आप 2000 का एक नोट ले जाइए बाजार, देखिए कितनी देर में खत्म होगा, कोशिश करके देखिए बताइएगा कितने देर कितने घंटों में खत्म हो गया। तो 2000-3000-4000 रुपए के लिए नहीं है आप, एक बड़ी आमदनी के लिए। आप जब ईडी बने आपका चेक और आना चाहिए, आप एसईडी बने आपका चेक और आना चाहिए, उस पर काम करिए। आगे बढ़ते हैं, ओके एलपीबी लेग, अब लोग एक ही एलपीबी लेग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है आपने एक करी, दो पे तो जाइए। और मैं आप मानेंगे मेरी बात से कि मेहनत करने पर पैसा ज्यादा आना चाहिए। किसी ने कहा सर ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने कहा बिल्कुल करनी पड़ेगी, बस कैसे बनोगे करोड़पति, कौन सा दुनिया का व्यवसाय जिसमें कम करने से ज्यादा पैसे आए, वो बड़ा दिक्कत वाली बात है।
हाँ आगे चलकर ऐसा होगा जब आपका सेट हो जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन मेहनत के नोट आने चाहिए, मेहनत के नोट आने चाहिए। और आप मुझे कोई दोरा नहीं, अगर आप 6 महीने 1 साल 2 साल से मोदी केयर में हो तो आप मेहनत करने नहीं आए, तभी तो यहां हो। और ये मोदी केयर में तो क्या किसी भी जगह रूल अप्लाई करता है? तो एलपीबी के ऊपर क्या लोग गलती कर रहे हैं और क्या लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको ये बता देता हूं। अच्छा, एलपीबी का बेसिक रूल मैं आपको क्लियर कर दूं दोबारा। अगर आपकी एलपीबी लेग में कोई एलपीबी क्वालिफायर नहीं, लेकिन वो एलपीबी लेग है, देखिए इस एग्जांपल में आप एक एसईडी हैं, आपके नीचे एक ईडी है, एक सीनियर डायरेक्टर एक डायरेक्टर है। अगर आप देखेंगे ईडी खुद एलपीबी क्वालिफायर नहीं है, उसके नीचे कोई 3600 की लेग नहीं, ये सीनियर डायरेक्टर भी एलपीबी क्वालिफायर नहीं है बिकॉज इसके नीचे 3600 का वॉल्यूम नहीं है, डायरेक्टर तो वैसे ही एलपीबी नहीं लेते। तो इसमें आपको क्या मिला? आपको इस सारा वॉल्यूम का 5% मिलेगा, आपका पर्सनल वॉल्यूम का 5%, A+B+C का GBV 5% और 180 पॉइंट की गारंटी, और पॉइंट्स में और 27 से गुणा करेंगे तो 4860 की गारंटी आप एमजी ऊपर दे देंगे। ये हो गया एमजी। लेकिन अगर आपके पास एक एलपीबी लेग है जिसमें एलपीबी क्वालिफायर है, आज क्या होगा? उत्सर आपको एक एमजी आएगी और आपके डेप्थ के मुताबिक, उस टेबल के मुताबिक जो 5% 5% टाइटल के हिसाब से टेबल बनाया हमने, उस पर आपको मल्टीपल जनरेशन एलपीबी भी मिलेगी। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे, अब ए एलपीबी क्वालिफायर हो गया है, इसके नीचे एक 3600 की लेग भी आ गई है, बी भी एलपीबी क्वालिफायर हो गया है, इसके नीचे डायरेक्टर है 4000 का। अब आपको ए और बी से एक एमजी आएगी, मिनिमम गारंटी 180 पॉइंट मिनिमम, इनका पीजीबी भी बढ़ाई और ज्यादा आएगी लेकिन 180 पॉइंट मिनिमम आएगी। और ए वन और बी से आपको मल्टीपल जनरेशन एलपीबी भी आएगी। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब आप शुरू कर रहे हैं अपने एलपीबी बनाना, अब तो डायरेक्टर पे भी एलपीबी आती है सीनियर डायरेक्टर को, अगर 3600 के लेगा जो पहले नहीं आती थी, तो आपको सब पे मिलेगा। लेकिन फायदा मार के रहने का नहीं है, फायदा यह है कि जब आपने नीचे एलपीबी क्वालिफायर बनाओ। अब किसी ने कहा सर मैंने नीचे एलपीबी क्वालिफायर नहीं था, 3600 की लेग थी, उसमें एक सीनियर डायरेक्टर था, मुझे उस पर 5% नहीं आया, वो रूल चेंज है। वो रूल क्यों चेंज किया मैं आपको बता दूं, आप एक वॉल्यूम पे अगर दो दो या तीन तीन बार पैसे देंगे तो सबका नुकसान है। इसमें मैं बता दूं, हमें क्या, हमारे लिए तो पूल है, 15% का पूल है, बांट देते हैं, एक आदमी में 10 बार बांट दिया मान लीजिए, तो नुकसान तो आपका है ना, जो ऊपर जा रहे हैं, जो एसडी जा रहे, ईडी जा रहे, एसडी जा रहे, पॉइंट तो उसी से कटेंगे, पूल तो सेम है। तो सेम वॉल्यूम पे आप 4-5 बार थोड़ा पैसा दे सकते हैं, 2-2 बार थोड़ा पैसा दे सकते हैं, वो भी सही नहीं है। लेकिन एक रूल हमने तब भी बदला, हमने कहा कि अगर एसडी के नीचे एसडी है और एसडी नीचे वाला एलपीबी क्वालिफायर है और ऊपर वाला भी एलपीबी क्वालिफायर है, तो आपको एसडी से एक मिनिमम गारंटी आएगी और इस एसडी का भी नीचे वाले का 5% पीजीबीवी के पॉइंट। ये क्यों किया? क्योंकि जब आप आगे जाएं, अच्छी पॉइंट वैल्यू रहे, आप और नोट कमाएं, आप अपने सीनियर डायरेक्टर की सोच रहे हैं, मैं तो आपकी जीबीडी सोच रहा हूं, आपके जीबीडी अपलाइन की नहीं, आपकी आपकी जब आप जीबीडी या प्रेसिडेंशियल बनोगे में तब की सोच, और बड़ा भी है बहुत लोगों का, इस बार बहुत लोगों का रुपया बढ़ा है, और जिनका कम हुआ इसलिए कम नहीं हुआ बिकॉज उन्होंने गलती करी, रूल चेंज के मुताबिक अपने फाइन ट्यूनिंग नहीं करी। फाइन ट्यून करेंगे चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, 10 गुना बेहतर होंगी, 20 गुना बेहतर होगी, 2 गुना बेहतर होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, वो आप पे डिपेंड करेगा आप कितना गुना बेहतर बनाना चाहते हो। अब एक और देखिए, ये चीज पहले नहीं होती थी, आप एक सीनियर डायरेक्टर हैं, आपके नीचे एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर खुद एलपीबी क्वालिफायर नहीं, अब आपको सारी वॉल्यूम का पीडी की जीबीवी का 5% मिलेगा एमजी। तो एग्जांपल आप कैसे देखते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप एक सीनियर डायरेक्टर हैं, इस पीडी को अगर आप एलपीबी क्वालिफायर बनाओगे तो ये लेग तो आपके सेट हो गए जिंदगी भर। आपका मकसद क्या है? देखिए, एक नेटवर्कर, एक लीडर क्या कहता है कि मेरी लेगे स्ट्रांग हो जाए ताकि मुझे बार बार जाके उन लेग्स पर टेंशन ना लेनी पड़े। हम लेग स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो एक लेग बनेगी, अगले महीने कहीं और जाऊंगा वो लेग फिर खराब हो जाएगी, फिर जाऊंगा वापस उसी लेग में, लोग इसी चक्कर में एक या दो लेगों में लगे रहते हैं। तो इन रूल्स को समझिए, और रूल से आपको क्या फायदा होगा, आप क्या फायदा निकालेंगे उसको समझिए। आपको नहीं समझ आता है, शर्माइए मत, जाइए और पूछिए। मैं भी 10 बार लोगों से पूछता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शर्म की क्या बात है।
वो कहते हैं ना हिंदी में, जिसने जिसने करी शर्म उसकी फूटे कर, शर्म नहीं करनी, जाके पूछना नहीं हुआ पूछिए, लेकिन समझूंगा तो मैं समझना चाहता हूं वो भी दिख। तो जिनके पैसे ज्यादा आ रहे किसी कारण से ही आ रहे होंगे ना, ऑटोमेटिक लाइफ में कुछ नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए एलपीबी का जादू, आप हैं और आपने पीडी किया, सिर्फ टाइटल बढ़ गया है, जो आपको मिलेगा 1688 पॉइंट मिलेंगे 6 डायरेक्टर से और 810 पॉइंट मिलेंगे पीजीबीपी से। लेकिन अगर आप पीडी बिल्ड कर जनरेशन हो जाए फिर जाके क्राउन की सोचिए। अब आप एक ही जनरेशन है, क्राउन बनने की जल्दी है, अब क्राउन बन गए मान लीजिए, इसमें आप इसमें क्राउन बन गए, आप तो कुछ है ही नहीं, कितना टूट बंधन बोनस कमाओगे। बिल्कुल मकसद आपका क्राउन होने का होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा आगे मत बढ़िए, आगे बढ़िए तो नोट के लिए बढ़िए, प्रशांत सर। डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल कुछ चैलेंज होगा, तो अभी प्रशांत सर को दोबारा कनेक्ट करते हैं, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टेक्निकल चैलेंज होगा, प्रशांत जी को दोबारा कनेक्ट करते हैं, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, थैंक यू। जी मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर सुन पा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, वाईफाई का कभी कभी दिक्कत हो जाता है तो। हाँ जी टेक्निकल इश्यूज रहते हैं सर। ओके, तो मैं वापस जा रहा हूँ जहां पे मैं था। बेसिकली देखिए ये तरीका है, आपने किया है अक्टूबर में, अपने आप से सवाल पूछिए कितनी जनरेशन बिल्ड करें आपने। ये पीडी का एग्जाम्पल है। देखिए अक्टूबर और सितंबर में मैं आपको बताता हूं फर्क क्या। सितंबर तक आपको खरीदारी करने के लिए बहुत इंसेंटिव था, लेकिन अक्टूबर से आपको खरीदारी के अलावा टीम बनाने के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अनलिमिटेड प्लान का मतलब ये होता है आप जितना आगे जाएं आपकी आमदनी बढ़ती जाए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ आदतों को ट्विक करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और आगे चलते हैं लेट्स सी। एक लोगों ने और गलती करी अक्टूबर में, जो आप देखो आपने करी करी, और ये गलती अक्टूबर में दर्द नहीं देगी, ये गलती पहले भी दर्द देती थी और आगे भी दर्द देगी। अब देखिए 12वें महीने में मैं प्लैटिनम डायरेक्टर बना, प्लैटिनम हूं मान लीजिए 12 महीने हो गए मुझे, मेरी 5 लेग हैं जिसमें से पहली लेग से 40% बिजनेस, दूसरी लेग से 40% बिजनेस, यानी कि जो मेरा बिजनेस होता है उसका 40% पहली लेग से आता है, 40% दूसरी लेग से आता है, 10% तीसरी लेग से आता है, इस तरह की से 5 लेग से ऐसे बिजनेस आता है। 14वें महीने में पीडी बन गया प्रेसिडेंशियल प्लैटिनम से। अब मेरी 2 लेग बड़ी होती जा रही है, अच्छी बात है, बढ़िया हो मनोज जी, जैसे अगर आपको लोग मिल जाएं अपनी 6 की या 14 की 14 लेग में तो बहुत मजेदार होने वाला है, सेट हो जाओगे जिंदगी में। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही मनोज मलिक जी ढूंढोगे फिर भी दिक्कत है। अब यहां क्या हो रहा है कि हम 2 ही लेग पे लगे हुए हैं। अब देखिए ये 85% का बिजनेस मेरा 2 लेग से आता है,
अब मैं यहाँ सीडीडी बन गया 16वें महीने, और ये चीज आप किसी भी टाइटल पे लगा लीजिए, एसईडी पे लगा लीजिए, ये एग्जांपल प्लेटिनम का, लेकिन आप किसी भी एग्जांपल टाइटल पे लगाइए, 94% बिजनेस मेरा 2 लाख से आ रहा है, 95% बिजनेस। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता। अब यहाँ बीवी बढ़ रहा है, आप देखेंगे बीवी बढ़ रहा है, लेग बड़ी हो रही है तो बीवी तो बढ़ रहा है, ये लेग छोटी होती जा रही है, मेंटेन करने के लिए आपने ले गए, आपकी यहाँ यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, तभी लेग बहुत छोटी छोटी लेग होती है, 1250 पॉइंट, 1300 पॉइंट, 1500 पॉइंट मैक्सिमम। इसमें दिक्कत क्या होगी कि आपका बीवी बढ़ेगा, आपका चेक रुक जाएगा, या चेक गिर भी सकता है। मैं बताता हूं कैसे, एक एग्जांपल और दिखाता हूं। मान लीजिए सितंबर 2020 में मैं एक लीडर हूं और मेरा 4 करोड़ का बीवी, अब 4 करोड़ एग्जांपल है, अब ये 10 लाख पे ले लीजिए, 20 लाख पे ले लीजिए, बात वही है। 4 करोड़ का बीवी है, मेरा चेक 15 लाख रुपए महीना आता है, मेरी टीम में 398 सीनियर डायरेक्टर एंड अबव है और 853 डायरेक्टर एंड अबव है। मेरा बीवी 4 से 5 करोड़ हो गया, मेरी टीम में लोग भी बढ़ गए, लीडर भी बढ़ गए, लेकिन मेरा चेक कम हो गया। अक्सर जब ऐसा होता है, हम ये कहते हैं कि सर आपने कहा था डायरेक्टर ज्यादा बनाओ, सीनियर डायरेक्टर ज्यादा बनाओ, मैंने बनाए तो मेरा चेक कम क्यों हो गया बीवी बढ़ने से, या बड़ा क्यों नहीं, बड़ा क्यों नहीं या कम क्यों हो गया? ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपके 2 लोग हैं वही दौड़ रहे हैं, और एक दिन वो 2 लोग आपके बराबर आ जाते हैं या आपसे ऊपर चले जाते हैं। अगर मैं 2 ही लोगों पे काम करूंगा तो ये तो आपकी एपीबी में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको आगे भी प्रॉब्लम आएगी। मैं प्लैटिनम था, मेरी 2 ही लेग काम कर रही है, 1 ही लेग काम कर रही है बड़ी, मेरी एक ही पास एक ही एलपीबी लेग है या 2 ही एलपीबी लेग है, तो जाहिर सी बात है जब नीचे टाइटल बढ़ रहे, नीचे तो दौड़ रहा, तो जब वो टाइटल मेरे से बड़ा हो गया, मेरी एलपीबी आनी बंद हो गई। तो 2 लेग के अलावा बाकी लेगों में भी तो काम करिए, वहां जाके फोकस तो करिए, तभी तो बनोगे। 2 करोड़ का 1.5 करोड़ का चेक कैसे आएगा, सिर्फ 1 या 2 लेग बनाने से तो नहीं आएगा। अगर आज मनोज मलिक जी का चेक अच्छा है या सुरेखा जी का चेक अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्यों बड़ा चेक है इतना, वो जानने की कोशिश करो कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा चेक कमाया। बिकॉज उनके पास एक नहीं, उनके पास 14 लेग जो है एलपीवी लेग, और 14 लेग एलपीवी लेग लगाने में उनको 25 साल लगे, आपको 2 साल में कर लोगे। कल मैं सुरेखा जी के साथ एक मीटिंग में था, वो एक बात बता रही थी, मुझे तो 25 साल लगे यहां पहुंचने में, बिकॉज तब तो मोदी केयर स्पीड पे नहीं था, ना ये प्लान था, तो आप तो वहां 2-3 साल में पहुंच सकते हो, पर प्रोवाइडेड आप ऐसा स्ट्रक्चर भी तो बनाओ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो कर रहे हैं ना, ये चेक करो अपने स्ट्रक्चर में जाकर कि ये तकलीफ दे रहा है। अक्टूबर में लोगों को तकलीफ आई होगी इससे, मैं गारंटी से कह सकता हूं, और अक्टूबर छोड़िए, ये सितंबर में भी आई होगी लोगों, तो ये वाला अपना स्ट्रक्चर चेक करो। अब ये 2 लेग को रोकना नहीं, इनको बढ़ने दो, इनको बड़ा होने दो, अच्छी बात है ना, आपका ये 2 लेग सेट है, ये जाकर काम करिए। अब लोग अक्सर क्या यहीं लगे रहते हैं, बिकॉज यहीं लोग आते हैं जूम मीटिंग में, या मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो कभी कभी आदमी ज्यादा घुसते ही नहीं। पेशेंस रखो, जैसे ये लेग बनने में भी तो समय लगा, अभी समय लगेगा, कि 2 लेग करके पकड़ो और वहां बिल्ड करना शुरू करो, नहीं तो चेक कम होगा। ओके, तो ये आपकी चेकलिस्ट है जो आपको चेक करना है। आपने ये देखना है कि अक्टूबर में मेरे ज्वाइनिंग बढ़े कि नहीं बढ़े, मेरी टीम में डायरेक्टर बढ़े कि नहीं बढ़े, मेरी टीम में एलपीवी लेग ज्यादा बड़ी हुई कि नहीं हुई, एक ही एलपीवी लेग या मैंने 3 एलपीवी लेग बनाई, 2 एलपीवी लेग बनाए, क्या मेरी टीम में लोग ज्यादा आए, कि उतने लोग थे जितने अक्टूबर में, सिर्फ बीवी बढ़ गए लोगों, सिर्फ टाइटल बढ़ गई पीवी से, बीवी ज्यादा नहीं बढ़ा, जो बड़ा भी वो एक ही लेग में बढ़ा, वही मेरी लेग बढ़ती बढ़ती जा रही है, तो सारा मेरा ग्रोथ 1 या 2 लेग में हुआ। और क्या मैं अपने बिजनेस को 80% मोटिवेशन और 20% स्किल पे चलाता हूं या उल्टा चलाता हूं? 20% मोटिवेशन चाहिए आपको, 80% स्किल चाहिए रास्ता दिखाना। तो मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, मोटिवेशन से दिक्कत आएगी। अगर हम लोगों को सिर्फ बोलेंगे 111% चेक बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा ये बताएंगे नहीं, तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, और आई भी है बहुत लोगों को। एक मेरे को कंसल्टेंट साहब ने कहा कि सर मैंने तो अपने लोगों को बता दिया था इस बार तो आग लग जाएगी चेकों में, मैंने कहा और क्या किया, बस मैंने कहा मोटिवेट ही करता रहा मैं तो उनको, लगे रहो बस एलपीवी लेग बना लो, एलपीवी लेग बना लो, टाइटल बढ़ा लो, टाइटल बढ़ा लो, बीवी बढ़ाओ, बीवी बढ़ाओ। मैंने कहा बढ़ाना है, कैसे करना है, बताया, कह रहे सिर्फ वो नहीं बताया। तो मैंने कहा बॉस वो आदमी तो दौड़ाया गाड़ी, उसने BMW आपने दे दी, आपने कहा दबा दे एक्सीलरेटर, उसने दबा भी दिया, आपने रास्ता नहीं बताया किस रास्ते पे एक्सीलरेटर दबाना, उसे जाके पगडंडी में गाड़ी चला ली, तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होने ही था, पैसे नहीं आए, बीवी भी बढ़ गया, सारा बीवी एक ही लेग से बढ़ गया।
ये गलती नहीं करनी, ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं, इसको अवॉइड करें। मैं बात कर लेता हूं। ओके, और ये सब चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई, ये सब चीजें आप जान सकते हो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। बहुत लोग इन रिपोर्ट्स पे काम नहीं करते, गलती आपकी नहीं है, बिकॉज हमने ज्यादा इसके बारे में पहले बात नहीं करी, लेकिन पिछले महीने से बात करनी शुरू करी है। और अब ये रिपोर्ट आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हो, पहले डाउनलोड नहीं कर सकते थे। तो एक अच्छा डॉक्टर कैसे बताता है कि दवाई क्या देनी है और मर्ज क्या है? चेहरा देखकर तो नहीं बताता। वो दिन चलेगा जब डॉक्टर नर्वस देखता था और कहता था जी ये बीमारी है। बीमारियां भी इतनी अच्छी फैशनेबल आ गई, क्या क्या बीमारियों के नाम आ गए हैं। 100 साल पहले इतनी बीमारियां होती नहीं थी, इतनी भयानक बीमारियां नहीं होती थी, कोविड शोविड टोविड जो भी नाम आ गए। तो आप आज नर्वस देख रहे हो सिर्फ कि भैया ये खा ले, चल तू, अच्छा तू ये खा ले, अच्छा तू ये खा ले, वो मरीज इलाज ही नहीं हो रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है, कहता ब्लड रिपोर्ट लेकर आओ, एक्सरे लेकर आओ, मैं आपके पैरामीटर चेक करूंगा। अच्छा आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, ये लो जी किडनी की दवाई। अब किडनी की प्रॉब्लम है, हम दिल की दवाई दे रहे हैं उसको, उसका पैसा नहीं बढ़ रहा, हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसकी एलपीबी लेग पे काम ही नहीं कर रहे ना, उसको सिखाते हैं करना क्या। अंधाधुंध जाकर के मान लीजिए अगर मैं किसी को कहूं बीवी बढ़ाओ बीवी बढ़ाओ बीवी बढ़ाओ, वो भी दिक्कत है। अच्छा बीवी तो बढ़ा रहा है वो, लेकिन सब एक ही लेग में बढ़ा रहा है, लेग बराबर हो गई है, बड़ी हो गई, फिर वो कह रहा जी मेरा चेकअप हो गया। तो उसको रास्ता दिखाना है, उसके लिए बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं, बिल्डर रिपोर्ट, एनरोलमेंट रिपोर्ट। मनोज मलिक जी के साथ बैठिए, अपने एसएम साहब के साथ बैठिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, हमारे रीजनल हेड दुष्यंत जी उनके साथ बैठिए, जहां मदद चाहिए बैठिए और रिपोर्ट्स को समझना शुरू करिए। डायरेक्टर और उसके नीचे आपको एनरोलमेंट रिपोर्ट देखिए, एनरोलमेंट रिपोर्ट में 7% से अबव के जितने भी लेवल, 7% और उसके ऊपर जितने भी लेवल सारे आते हैं, और बिल्डर रिपोर्ट में डायरेक्टर एंड अबव के परफॉर्मेंस आती है। बड़ा बिजनेस है तो बिल्डर रिपोर्ट देख लीजिए, पीजीबीवी के लिए अपने साइड वॉल्यूम के लिए एनरोलमेंट रिपोर्ट खोल लीजिए अपने, और ये रिपोर्ट में आप सबको जान पाएंगे। देखिए क्या क्या आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, आपकी पूरी की पूरी ब्लड रिपोर्ट है, हर बॉडी का यंत्र अंतर के बारे में जान जाएंगे, मेरे लोगों का टाइटल क्या हो रहा है, कौन केवाईसी करता है कौन नहीं करता, कब जुड़े, उनका हाईएस्ट टाइटल क्या था, लोएस्ट टाइटल क्या था, किस महीने की आप देखना चाहते, उस महीने की रिपोर्ट खोल के देख सकते हैं, उन्होंने कितनी की बाइंग करी, उनका पीजीपीवी क्या है, उनको रोलअप वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं कि एक्चुअल पे काम कर रहे हैं, या सब कुछ रोलअप पे ही डिपेंड किया, या रोलअप कितनी आ सकती है, उसके नीचे कितने डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं। तो अगर आप एक जीबीडी आरबीडी भी हो ना, तो आप अपनी लेग वाइज जनरेशन वाइज टाइटल देख सकते हैं कि मेरी किस जनरेशन में कितने टाइटल है, बिकॉज जितना जनरेशन के बारे में जानोगे उतना जान पाओगे यहां तक मुझे कितना तक पैसा मिलेगा। और अगर मेरी 8वीं जनरेशन में देखिए सीनियर डायरेक्टर आ रहे हैं तो मुझे इतना पैसा मिलेगा एलपीबी में, उनका पिछले महीने का चेक क्या था। इससे आप अपने पोटेंशियल लीडर भी ढूंढ सकते हो, अपने राइजिंग स्टार भी ढूंढ सकते हो, और तकलीफ के हिसाब से या अच्छी चीज के हिसाब से उसको टॉनिक दे सकते हो। जो अच्छा कर रहा है उसको एक दूसरा टॉनिक दे रहा है, वही टॉनिक बढ़िया देना है। जो ये चीजें खामी कर रहा है, गलतियां कर रहा है, स्ट्रक्चर आप देखा जी मेरी इस टीम में देखिए 10वें लेवल पर एक लीडर है जो एक ही लाइन बना रहा है, उसको मैं अलग ट्रेनिंग दूंगा। और रिपोर्ट कुछ इस तरीके की दिखती है, आप अपनी लेग वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। ये लेवल का मतलब होता है कि आपसे ऊपर और कंपनी में कितने लोग हैं, यानी अगर आप 6वें लेवल पर हैं तो जितने भी साथ हैं वो आपके फ्रंटलाइन हैं, और 2 साथ के बीच में जितने भी हैं वो आपके उस टीम के अंदर लोग हैं। और ये सीखना बहुत आसान है, ये मैटर नहीं करता कि ये काम सिर्फ एक जीबीडी आरबीडी का, ये आप एक डायरेक्टर पे भी आदत डालिए। अभी क्या हो रहा है देखिए सर, मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लोग अभी पानी में बह रहे हैं। भाई ये अच्छी बात है, माहौल है, माहौल में बहना बड़ा जरूरी है, गंगा बहेगी तभी तो किश्ती आगे चलेगी। लेकिन आप ऋषिकेश तो चले गए, गंगा में अपना राफ्टिंग कहते ना, रिवर राफ्टिंग, राफ्ट भी डाल दी है आपने, कहा जी गंगा बह रही है अलाहाबाद की तरफ, बहते बहते मैं भी पहुंच जाऊंगा अलाहाबाद। अब दिक्कत क्या है, गंगा का बहाव तो बहुत तेज है, तो आपने देखा होगा रिवर राफ्टिंग में राफ्टिंग वालों को चप्पू दिए जाते हैं जिससे वो कंट्रोल करते हैं पानी में, सिर्फ बिकॉज पानी बह रहा है इसलिए मैं बह जाऊंगा, सामने पत्थर वत्थर भी आते हैं, बहते हुए पत्थर दिखते तो आती हैं। अगर मेरे पास वो है ही नहीं और मैं अपने आप को स्टेयर ही नहीं कर रहा, मैं पत्थर में जाकर टकरा जाऊंगा, बहते हुए पानी के बावजूद चोट लग जाएगी, या बहता हुआ पानी किसी जगह पर घूमने लग गया, घूमता भी है बहते हुए पानी में, पानी जोर जोर के, मैं वहीं घूमता रहूंगा पानी बह रहा है
कुछ लोग आगे निकल गए, मैं वहीं घूमी जा रहा हूं, वहीं घूमी जा रहा हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहां पर चप्पू चलाना है? हवा चल रही है लेकिन बोट में कैसे काम मोड़ना है वो इन रिपोर्ट से पता चलता है। सिर्फ मोटा मोटा तो कुछ चीजें सबके लिए सेम रहेंगी। अब आप देखिए मेरी टीम में कहां से मेरी ग्रोथ नहीं हुई, कौन सी मेरी एलपीबी लेग मिस हो गई, कौन नीचे पैसे नहीं कमा रहा है जिसकी वजह से निराश हो रहा, क्यों नहीं कमा रहा? आप उसको मोटिवेशन में दे दो, अरे घबराओ मत, डरो मत यार, अगला महीना सब ठीक हो जाएगा, भगवान आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, ये तो ज्ञान हो गया ना। आप दर्द में है, आप तकलीफ में है, मान लीजिए मैं आपको जाके बड़ी बड़ी बातें बताऊं, सिर्फ ज्ञान दूं, घबराना नहीं, भगवान हमारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छे माता पिता की तरफ करना क्या है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ना है वो बताइए, वो इन रिपोर्ट्स में से पता चलेगा। इस टीम में कितना जनरेशन में लोग हैं वो भी पता चलेगा। बड़ी मजेदार रिपोर्ट है, एक बार आदत पड़ गई तो छोड़ेंगे नहीं, और आदत डालिए इसकी। ये आपका रोड मैप है, गूगल मैप है आपका। आप इस प्लान में और भी जरूरी है ये गूगल मैप है कि कहां पे जाकर किस स्ट्रक्चर में जाकर नोट आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पैसे दिखाओगे और दिखेंगे भी दौड़ोगे। मैं तो हमेशा से मानता हूं कि कितनी मर्जी स्किल की ट्रेनिंग दे दीजिए, कितना मर्जी सिखा लीजिए, अगर फायदा नहीं दिखाऊंगा मैं आपको आपका, तो स्किल देने से आदमी आगे नहीं बढ़ता। स्कूल कॉलेज देखिए सब लोग जाते हैं, पढ़ते सब हैं, सब तो अमीर आदमी नहीं बन जाते, बिकॉज उनको कोई अभी तक रास्ता दिखाने वाला नहीं आया। तो उनको डिजायर दीजिए, इच्छा कैसे जगाई जाती है, इच्छा उनके फायदे के बारे में बता के जगाई जाती है। आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको कहता हूं कि देखिए बॉस, ये दो लेग आपकी एलपीबी लेग बन सकती हैं, यहाँ करोगे काम तो कम से कम मान लीजिए 10,000 रुपए ज्यादा आएंगे। अभी इच्छा जगाने वाली बात है। मैंने आपको चॉकलेट का केक दिखाया है, अब आप जाएंगे और खाएंगे भी। अब चॉकलेट का केक सामने है लेकिन मैं इच्छा नहीं जगा रहा इस केक को खाने की, मैं खाऊंगा ही नहीं इस केक को। तो ये चीज आपने नवंबर में ठीक करनी है। सिर्फ बिकॉज किसी ने कहा कि ये हो जाएगा तो मैंने कहा यही हो जाएगा, मैं अपनी टीम में दो गुना और बढ़ा चढ़ा के बता दिया, वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। निराशा के कारण है सारे हो। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना। जिंदगी में एक चीज याद रखिए, जितना करोगे उतना मिलेगा। बिना काम करे अगर कोई पैसा डबल करने की बात करता है, उतना ही काम करे पैसा चार गुना करने की बात करता है, तो उसको एक बार सोचो और समझो जरूर। मैं नहीं कहता हमेशा गलत होगा, लेकिन एक बार सोचो और समझो जरूर। कभी कभी मारीच है ना, वो रामायण वाली स्टोरी, सोने के हिरन सारे सोने के हिरन नहीं होते, कभी कभी राक्षस भी होते। तो जस्ट बिकॉज किसी ने मुझे कहा ये हो जाएगा और मैंने कहा मान लिया, बस लग गया मैं बिना किसी रास्ते के, और एक्सीलेटर दबा दिया, बीएमडब्ल्यू कर चढ़ा दी गाड़ी पेमेंट के ऊपर, तो चोट लगेगी, तकलीफ होगी। तो अपने एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के से मैच करिए, और अगर आप एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच नहीं कर रही तो जानिए कि क्यों मैच नहीं करी। मैं चाहता हूं 200% चेक ग्रोथ हो लेकिन मेरी 20% चेक ग्रोथ हुई, या मैं चाहता था इस महीने मेरा चेक 100% बढ़े लेकिन मेरा चेक 10% गिर गया, क्या हुआ होगा उसको जानने की कोशिश करें। और मैं आखिर बता दूं, ये जितना भी एमपीएल ये ड्रॉ चल रहा है, जो इसका आखिरी दिन कल है, मुझे पूरा विश्वास है आप मोमेंटम में दौड़ रहे हैं, बिकॉज यही ड्रॉ आपको प्लान के अंदर भी पैसे देने वाला है। लोग बहुत दौड़ रहे हैं, उनको प्लान में अच्छे पैसे आएंगे। 36 लोग लाइए किसी लेग में, 100 PV की आपकी एक एलपीवी लेग बन जाती है। 4 ऐसे लेग बना लीजिए, देखिए इस बार कितना पैसा आता है। 32 लोग लाइए अपने साइड में, आपका पीजीपी भी 32,000 का बन जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी जो ड्रॉ है ये आपके लिए दिया, ये ड्रॉ गाड़ी वाड़ी तो मिल ही सकती है, मोबाइल फोन, 50,000 का कैश अवार्ड, या मोटरसाइकिल धूम का, या लैपटॉप, या प्रोडक्ट, ये सब मिल सकता है, स्ट्रॉली 10,000 रुपए की। लेकिन साथ साथ में प्लान में भी नोट आ जाएंगे उस तरीके। अभी किस लेग में कितना एमपीएल प्रमोट करना है वो रिपोर्ट से पता चलेगा, बताइए सबको, लेकिन किसको कितना बताना है वो अपनी रिपोर्ट देख के जांचिए। तो आदत डालिए, मुझे पूरा विश्वास है ये सब कुछ होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो गलतियां नहीं करनी। सिर्फ एक एलपीबी लेग आपको उतना ही पैसा देगी जितना एक एलपीबी लेग से आना चाहिए, और पैसा चाहिए तो 2 बनाइए, और दूसरी लेग किस पे फोकस करना है वो जानिए। मेहनत करोगे नोट आएंगे तो मेहनत करने का मजा आएगा, और जब मेहनत में मजा आने लगे ना, नोट भी आए तो नोट आएंगे तभी तो मेहनत का मजा आएगा, तो ये नशा हो जाएगा, आगे बढ़ना एक नशा हो जाएगा। निराशा जल्दी छू नहीं पाएगी। ये डिपेंड नहीं करता आपका लेवल क्या है। आप एक एसीडी हैं, उसके लिए आपको जीबीडी होना जरूरी नहीं है। एक डायरेक्टर जो भी जिसको जिसको पता है क्या करना है, वो ऐसी चीजों से निराश नहीं होते।
तो सवाल पूछिए, अच्छी बात है। और अक्टूबर में जिन्होंने सवाल पूछ लिए, उन्होंने काम कर लिया, उनके तो चेक अच्छे आ गए। जिन्होंने तब चुप रहे और कहा जी हम तो समझेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा, पहले भी ऐसा होता तब भी ऐसा ही होगा, उनको थोड़ी निराशा हुई है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कहा मुझे निराशा हुई है, मुझे तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, पहला महीना था, फाइन ट्यूनिंग नहीं करी, इस महीने करी, हो जाएगी। पर सुनिए सब कुछ, जांचिए, समझिए, प्लान पे काम करिए। और 2015 में अगर आप हमारे साथ थे तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी कोई चेंज होता है ना, दिक्कत होती है। जब कोरोना वायरस आया और सरकार ने कहा मास्क पहने बिना नहीं घूमना, कितनी दिक्कत होती है। अब तो आदत बन गई मास्क पहनना, शुरू में तकलीफ होती थी ना। दिल्ली फरीदाबाद में तो सरकार पहले से कह रही है मास्क पहनो, पिछले साल कहती थी प्रदूषण की वजह से मास्क पहनो, हम नहीं पहनते, आदत ही नहीं है। आदतें बदली तो शुरू में बड़ी गालियां दी सरकार को, यार क्या मास्क वास्क पहना के घुमाते रहते, ना पहनते तो आज शायद पता नहीं कहां होते, किस जन्म में होते और किस दुनिया में होते। कोविड तो खतरनाक बीमारी है। तो जो पहले आदत पड़ने में दिक्कत आ रही थी, वो आज हमारी आदतें बन गई हैं। शुरू के थोड़े दिन में दिक्कत आती है। अब आपको कोई बोले जी आज से एक साल पहले जूम पे मीटिंग होंगी, आप हंसेंगे, मैं भी हंसता उसके ऊपर, देखिए आज मेरी आदत बन गई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेंज हुआ है, चेंज में अपने आप को ढालिए, आपके भलाई के लिए। और अगर गलती अच्छा करा आपने, अक्टूबर में गलती कर दी, अगर हो गई है तो, नहीं हुई तो बहुत बहुत बढ़िया है, अगर हो गई है बढ़िया हो गया, अक्टूबर में हो गई, शुरू में ही हो गई, आगे चल के होती तो और दिक्कत देती। और मैं आपको ये बता दूं, ये लाइफ का असूल है। और आपको कोई बोले ना कि कोई लीडर कि मैंने गलतियां नहीं करी, अभी भी लीडर भी गलती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां तो मुझसे भी हो रही हैं, वो तो हो भी जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को समय पर सुधार लेना है। लेकिन गलती सुधारने के लिए सही आदमी के पास जाइए और उससे पूछिए मुझे क्या ठीक करना है। किसी बाबा हकीम के पास मत जाइए जो सिर्फ झाड़ू फूंक करता है, सिर्फ मोटिवेशन देता है। मनोज मलिक जी के सिस्टम में ढालिए अपने आप को, अपलाइन के सिस्टम में ढालिए, जानने को बहुत कुछ है। और आखिरी में, अंत में एक बार, लाख आखिरी बार, सुनिए सब कुछ, सिर्फ वो मत सुनिए जो मैं सुनना चाहता हूं, पूरी बात सुनिए और फिर उस पैकेज को अपनाइए। और मैं आपको ये वादा करता हूं, समीर सर की मोदी केयर में आप अगर लगे रहेंगे ना, अगर आप दिल से काम कर रहे हैं तो आप निराश नहीं होंगे। ये कंपनी आपको दो कदम चलाती है तो साथ में दो कदम आपसे आगे चलेगी, यह मेरा वादा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवंबर को अच्छा बनाइए, आपके हाथ में है, कितना अच्छा बनाएंगे, हम आपके साथ हैं। जहां कोई मदद चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। इसी के साथ मनोज मलिक जी, आपको वापिस हैंडओवर, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार। मनोज जी, ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच प्रशांत सर, बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से आपने सारी चीजें कवर कर दी। और डेफिनेटली हमारे जितने भी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी, सबको इस ट्रेनिंग का बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपका कायल इसलिए हूं कि जो भी आप बताते हो ना, टू द पॉइंट बताते हो, सिंपल बताते हो और डुप्लीकेबल बताते हो, ताकि उस ट्रेनिंग का फायदा सिर्फ हम ले नहीं, हम आगे उसको ट्रांसफर भी कर सकें, आगे हम उसे डुप्लीकेट भी कर सकें। और यही विश्वास है कि ये जो नया प्लान है, और जिस खूबसूरती से आपने बताया है, 2020 दिसंबर बहुत कुछ होने वाला है, और 2021 में तो हर व्यक्ति के घर के अंदर बहुत शानदार, लाखों के चेक होंगे। और जितने भी लीडरशिप करोड़ों के बारे में सोच रही है, तो डेफिनेटली 2020 से लेकर 2025 के बीच में सभी लोग करोड़ों रुपए की इनकम पर मंथ कमाएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आप हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत हो, और आपकी गाइडेंस जिंदगी भर हमारे को ऐसी ऐसी चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रशांत सर जो हमारे नेशनल सेल्स हेड है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं। डेफिनेटली जब हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं, अपने बिहेवियर का ध्यान रखते हैं, बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है, चेक बढ़ते ही बढ़ते हैं। दोस्तों, चेंज जो है ना, चेंज ये जरूरी नहीं है कंफर्टेबल हो, लेकिन चेंज यूनिवर्सल होता है। और ये चेंज अगर अच्छे के लिए हो, तो ये पक्की बात है कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगी आएगी, और हमारे चेक के अंदर ग्रोथ आएगी आएगी। मुझे याद है कि जब 5 साल पहले कंपनी ने कुछ चेंजेस किए थे, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इस चेंज की वजह से हम जो पहले वाले प्लान थे उसमें हम कंफर्टेबल थे। आज वही लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी केयर ने चेंज किया। दोस्तों, उसका रीजन क्या था कि जिनका चेक 25,000, 50,000, 1,00,000 पर अटक गया था, आज सभी लोग 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000 या उससे ज्यादा पर मंथ कमा रहे हैं।
दोस्तों जिन्होंने इस प्लान को बड़ी बारीकियों से पिछले महीने समझ लिया था, इस महीने उन सभी का चेक 25% से 100% तक बढ़ाया। इवन मेरी स्टेज पर, मैं इतना बड़ा चेक कमा रहा हूं, मेरी स्टेज पर भी मैंने 45% ग्रोथ की है, जो मेरा पिछले महीने सितंबर का चेक था उससे अक्टूबर के चेक के अंदर। दोस्तों आज ये चेक आपको समझ आए या नहीं आए, ये प्लान समझ आए या नहीं आए, कुछ बेसिक चीजें आप अगर समझ जाते हैं कि विड्थ और डेप्थ का संगम रखना है, हमारे को सिर्फ एक ही लेग के ऊपर काम नहीं करना, एलपीबी बनानी है तो सिर्फ एक नहीं, तीन चार पांच छह बनानी है, और साथ ही साथ में ना थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचना है, विजन के बारे में सोचना है। जब मैंने 4,875 रुपए का चेक लिया था तब भी मुझे मालूम था मैं यहाँ पर एक दिन 5 लाख रुपए का चेक लूंगा, तब भी मुझे मालूम था कि मुझे 1 लाख तक पहुंचने में 1 साल ही लगेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे 1 साल भी नहीं लगा था, मैं 9 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया था। तब भी मुझे मालूम था कि मैं 5 साल में 5 लाख रुपए तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं 5 लाख तक नहीं पहुंचा था, मैं 6,85,000 रुपए तक पहुंचा था। दोस्तों हर समय मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता था। आज मैं आपको इतना ही गारंटी देता हूं कि जब 2021 दिसंबर आएगा, अगर आपने प्लानिंग कर रखी है कि आपका चेक उस समय 1 लाख होगा, तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप अपने अपलाइन के साथ में बैठेंगे, अपने मेंटोर के साथ में बैठेंगे, आप अगर उनके साथ प्लानिंग करेंगे, आप सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे, तो वो 1 लाख नहीं होने वाला, वो 2 से 3 लाख रुपए होने वाला है। अगर आज आपने प्लान कर रखा है 5 लाख रुपए का, मुझे पूरा विश्वास है कि सिस्टम के साथ में और आपके अपलाइन के साथ में यही वाला प्लान आपको वो 5 लाख रुपए की प्लानिंग को फेल कर देगा, क्योंकि आप लगभग 11 लाख रुपए महीना कमाएंगे। ये प्लान की बहुत बड़ी खासियत है, नई प्लान की, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की, कि हम बहुत जल्दी अपना वो सपना पूरा करेंगे कि जब हम और हमारे लीडर्स के घर के अंदर करोड़ों रुपए के चेक आएंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, वो फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए डेट 2023 में होगी, 2025 में होगी या 2027 में होगी, लेकिन अनलिमिटेड के अंदर ये संभव है। तो दोस्तों अगर पूरे इंडिया के अंदर हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और लाखों लोग उस मुहिम के अंदर हैं, तो अगला नंबर आपका है। फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के अंदर कितने लोगों ने 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख कमाए, फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने चेक को आज 20 लाख रुपए से ज्यादा देख रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है क्या आपने इससे आज कमिटमेंट ली। अगर आज आपने कमिटमेंट ली तो आज वो बची हुई जिंदगी का पहला दिन है जो आने वाली पूरी जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों आइए इस जो अगले 2 महीने हैं, 2020 के अंदर अभी 2 महीने हैं, इन 2 महीने के अंदर हम कुछ बहुत बड़ा करें, इस बिजनेस प्लान को और समझें, अपने अपलाइन के साथ में बैठें, अपने मेंटोर के साथ में बैठें, मैनेजमेंट के साथ में बैठें, जो जो आपके रीजनल ट्रेनिंग हेड हैं, जो रीजनल मैनेजर्स हैं, उनके साथ में बैठें और अच्छी तरह से स्टडी करें। लेकिन इतनी मुझे कैलकुलेशन जरूर आती है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरे इंजीनियरिंग की जब मैंने की थी, सेकेंड ईयर में 100 में से 100 नंबर आए थे, मुझे मैथ्स से बहुत प्यार है, और मैथ्स ये कहता है कि आने वाले 2 साल में जो भी आपने गोल लिया है वो 2 गुना से लेकर 10 गुना बड़ा हो सकता है, अगर आप इस प्लान की ब्यूटी को समझ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत मुबारक हो कि 9 तारीख तक बहुत अच्छी रनिंग चल रही है, बहुत अच्छे स्कोर चल रहे हैं, बस कल लास्ट दिन है, अपने 50 PV या 100 PV जरूर कीजिए। अगर आप 150-200 PV करना चाहते हैं तो जितने ज्यादा 50 PV से मल्टीपल करेंगे उतने ज्यादा आपके टिकट्स आएंगे लकी ड्रॉ के अंदर, और एक दिन आप ये खुश होंगे कि बाइक या कार आपकी हो चुकी होगी। ये डिसीजन आपने लेना है, लेकिन पहला काम जरूर कीजिए, वो पहला काम है 10 तारीख तक अपने 50 PV से 100 PV कीजिए, और पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके यहाँ पर लकी ड्रॉ में से कोई एक लकी ड्रॉ आपके घर में भी होगा। मुझे तो मालूम है कि मैंने बाइक के लिए हेलमेट ले लिया है, क्यों ले लिया है कि आप ही में से किसी की कार जरूर आने वाली है, मैं हेलमेट पहनकर जो बाइक मुझे मिलेगी धूम के थ्रू, लकी ड्रॉ के थ्रू, उसको मैं लेकर आपके यहाँ पर मिठाई खिलाने जरूर आऊंगा, क्योंकि कार आपकी आने वाली है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो कार का एक फोटो लीजिए, विजन बोर्ड पर लगाइए, डेट लगाइए, और ये दिवाली गिफ्ट आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। विश यू ऑल द बेस्ट, कल की क्लोजिंग के लिए ऑल द बेस्ट, इस 20 तारीख की जो
सेकंड क्लोजिंग है हमारी एमपीएल की, उसके लिए ऑल द बेस्ट, इस महीने के लिए ऑल द बेस्ट, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 महीने में जो आप अपने चेक के अंदर 50% 100% या 200% की ग्रोथ लेकर आना चाह रहे हैं वो भी पूरा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच।